हेलो बच्चों, गुरुनीति कम प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर जेई मेंस 2021 की इस सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम जो हमारे टॉपिक्स हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटेंस, इन पर बेस्ड जो जेई मेंस में क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं बेटा। ठीक है, मेरा नाम है अंजनी कुमार उत्तम, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, ए रेजिस्टेंस इज शोन इन द फिगर, इट्स वैल्यू एंड टॉलरेंस आर गिवन रेस्पेक्टिवली बाय। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एक रजिस्टर आपको गिवन है, कार्बन रजिस्टर है, और इसकी कलर कोडिंग की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको कलर कोडिंग जो है वो आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट कलर है वो रेड है, देन नेक्स्ट वॉयलेट है, देन थर्ड वन जो है वो ऑरेंज है, नेक्स्ट सिल्वर है। तो कलर कोडिंग को अगर अपन देखें तो कुछ इस वे से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, BBROY। ओके, तो BBROY GBVGW। तो फर्स्ट है ब्लैक, ब्लैक के लिए जीरो, देन ब्राउन वन, ओके ब्राउन के लिए वन, देन रेड के लिए टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। ठीक है, देन लास्ट कलर में जो है वो टॉलरेंस के लिए आता है। ठीक है, तो फर्स्ट है ब्लैक, देन ब्राउन, देन रेड। तो इसमें फर्स्ट जो कलर है वो रेड है, तो रेड के लिए आपको फर्स्ट जो डिजिट है ना रेजिस्टेंस के लिए, फर्स्ट जो डिजिट है वो आपको टू सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से टू। ठीक है, सेकंड जो डिजिट है वो भी इसी के वजह से ही सॉल्व करना है, इसी के वजह से ही आपको सेलेक्ट करना है। इसमें जीरो, देन वन, देन टू, देन थ्री, है ना, इसी पैटर्न से आपको लिखना है। सेकेंड डिजिट भी इसी वे में ही आएगा, लेकिन सेकेंड डिजिट जो है, सेकेंड जो कलर है इसके अंदर वो वॉयलेट है। तो वॉयलेट के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो वॉयलेट कहीं यहाँ पे आ रहा है, देखिए ये देखो इस नंबर पे। ठीक है, तो वॉयलेट के लिए सेवन आएगा, देन नेक्स्ट नंबर जो है ग्रे है, देन वाइट है, राइट, तो ग्रे के लिए एट, वाइट के लिए नाइन। तो वॉयलेट के लिए सेवन आएगा, टू सेवन, देन इंटू टेन टू द पावर। अब टेन टू द पावर कितना आएगा देखिए, ब्लैक के लिए टेन टू द पावर जीरो, देन ब्राउन के लिए टेन टू द पावर वन, देन टेन टू द पावर टू। ठीक है, इसी वे से ही चलना है आपको। तो आपको कहाँ पे जाना है, देखो ऑरेंज है, ऑरेंज के लिए जाना है, तो ऑरेंज के लिए आप ये देखिए ऑरेंज के लिए कितना नंबर है, देखिए ऑरेंज के लिए थ्री नंबर है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा टेन टू द पावर थ्री, तो इंटू में टेन टू द पावर थ्री, तो 27 इंटू टेन टू द पावर थ्री ओम, तो 27 किलो ओम हो गया ये, राइट। अब बात आती है इसकी टॉलरेंस की, इसमें कितनी अनसर्टेनिटी है। टॉलरेंस के लिए जो लास्ट जो कलर है ना सिल्वर कलर फोर्थ नंबर पे, ठीक है, इसके हिसाब से आपको देना। देखो गोल्ड अगर आए तो 5% है, सिल्वर अगर आता है तो 10% टॉलरेंस होता है बेटा, तो प्लस माइनस 10%। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस के अंदर बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो इस पार्ट को प्लीज आप अच्छे से पढ़िए, इसको छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, When the switch S is in the circuit shown is closed, then the value of the current I will be. तो ये सर्किट आपके सामने आपको दिख रहा होगा, और स्विच जो है यहां पर दे रखा है। इस स्विच को अगर आप क्लोज कर देंगे तो इस ब्रांच में जो करंट है उस करंट की वैल्यू आपसे पूछे। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा ये। तो ये जो C आपको नजर आ रहा है ना यहां पर, इस C पर आप पोटेंशियल कंसिडर कर लीजिए X। ठीक है, X अगर मैं कंसिडर कर लूं और इन तीनों ब्रांचेस के अंदर अगर मैं करंट आउट गोइंग कंसीडर कर लूं, सपोज इसमें आई वन जा रहा है इस तरफ जा रहा है, इसमें आई टू इस तरफ जा रहा है, इसमें आई थ्री इस तरफ जा रहा है, राइट, जिसको आई थ्री मतलब आई हमारे लिए, तो तीनों करंट का जो सम है वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि इनकमिंग करंट जीरो है तो आउट गोइंग करंट भी जीरो होना चाहिए। तो आउट गोइंग करंट बोले तो करंट इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय आर, ओम्स लॉ लगाएंगे तो करंट की वैल्यू डेल्टा वी बाय आर के इक्वल होगी। तो यहाँ पे डेल्टा वी इस रेजिस्टर की बात करें कितना आएगा, एक्स माइनस ट्वेंटी, एक्स माइनस ट्वेंटी बाय रेजिस्टेंस कितना है टू, तो x माइनस ट्वेंटी बाई टू, ये वाली करंट आ गई। ऐसे सिमिलरली इस वाली ब्रांच में देखें तो करंट कितना आएगा, x माइनस टेन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है फोर। नेक्स्ट इस वाली ब्रांच की बात करें तो x माइनस जीरो, ग्राउंडेड है ना, x माइनस जीरो बाई टू, रेजिस्टेंस टू है तो x माइनस जीरो बाई टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो ये एलसीएम ले लो, तो यहां पर इसको कट कर दो या तो 2, 2, 1, तो 2 का एलसीएम आ जाएगा, तो 2x माइनस 40 प्लस एक्स माइनस 10, ठीक है, प्लस देन 2x, राइट, इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से 2x, x एंड 2x, ये कितना आ गया 5x, यहाँ से 40 एंड 10 50 आ जाएगा, ये 50 इधर चला गया, x इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो जो नोड सी है ना, इस नोड सी का जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट के इक्वल आ चुका है। अब अगर आप इस ब्रांच की बात करें तो इस ब्रांच में जो करंट जो फ्लो हो रही थी वो x माइनस 10 बाय 4 थी ना, दिस माइनस दिस बाय 2, सॉरी ये वाली ब्रांच, सॉरी x माइनस 0 बाय 2, तो करंट आपको फाइंड आउट करनी है, तो x माइनस 0 बाय 2 जो है वही करंट i को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेटा x की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने, 10 ना, 10 बाय 2, एंड 10 बाय 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन 1.5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 मिलीमीटर स्क्वायर इज वी, इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कॉपर इज 9 × 10⁸ पर मीटर क्यूब, द वैल्यू ऑफ वी इन मिलीमीटर पर सेकेंड इज क्लोज टू। तो आपको यहां पर ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो फाइंड आउट करनी है बेटा। तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है, काफी सिंपल सा रिलेशन है, आप जानते हैं I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, करेक्ट। I इज अ इलेक्ट्रिक करंट, n कंसेंट्रेशन होता है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एंड VD इज द ड्रिफ्ट स्पीड। आपको VD ही कैलकुलेट करना है यहां पर, राइट। VD को इसने V लिखा है, तो VD इक्वल्स टू I अपॉन n EA। तो यहां से आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी है, 1.5 एम्पीयर है, डिवाइड में कंसेंट्रेशन आपको दे रखी है देखो 9 × 10⁸, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हो 1.6 × 10⁻¹⁹, एंड एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें गिवन है 5 mm², राइट, 5 mm² 10⁻³ मीटर में अगर हम बात करें, स्क्वेयरिंग करेंगे तो -6, तो ये मीटर स्क्वेयर में आ जाएगा, राइट। तो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट हमारे पास आ जाएगी 0.02 मिलीमीटर में, राइट, मिलीमीटर पर सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन सर्किट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द 18 वोल्ट सेल इज नेग्लिजिबल इफ R1 इज 400 ओम। R1 यहां पर है और इसका रेजिस्टेंस आपको गिवन है 400 ओम, राइट। R3 इज 100 ओम, R3 भी आपको गिवन है 100 ओम, राइट, एंड R4 इज 500 ओम, सो R4 इज 500 ओम, एंड द रीडिंग ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर अक्रॉस R4 इज 5 वोल्ट। मतलब अगर आइडियल वोल्टमीटर आप R4 के अक्रॉस अप्लाई करेंगे तो ये जो वोल्टमीटर है ये 5 वोल्ट की रीडिंग आपको दे रहा है, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस 5 वोल्ट है R4 के अक्रॉस। तो इस ब्रांच में जो फ्लो होने वाली जो करंट है ना वो अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि R4 के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा, I इज इक्वल टू, इसको या तो आप I2 मान लीजिए चलो, तो I2 जो है वो कितना आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू 5 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 500, राइट। तो 1/100 एम्पियर जो है वो करंट बेटा इस ब्रांच में फ्लो करेगी, पूरी ब्रांच के अंदर, ठीक है। अब जब 1/100 एम्पियर पूरी ब्रांच के अंदर, इवन R4 में फ्लो तो कर ही रही है, R3 में भी फ्लो करेगी सेम ब्रांच, क्योंकि दोनों सीरीज के अंदर हैं। अच्छा, R3 एंड R4 जो है इन दोनों का इक्विवेलेंट की बात करें तो 500 एंड 100 जो है वो 600 ओम हो जाएगा। तो इस पूरी ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है 600 ओम है, तो 600 ओम अगर इस पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 1/100 एम्पियर, राइट। तो यहां से अपन इस ब्रांच की बात करें तो इस ब्रांच के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है वो 18 वोल्ट के इक्वल दे रखा है, राइट, एंड ये जो 400 ओम है ये R1 की वैल्यू है यहां पर, राइट। तो यहां से हमें अल्टीमेटली R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। R2 की वैल्यू किस वे से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो हमें यहां पर देखना है बेटा। तो चलिए देखते हैं, लेट्स से R2 जो भी है वो R2 की, या R2 की वैल्यू मैं R कंसीडर कर लेता हूं यहां पर, है ना। R2 की वैल्यू अगर मैं R कंसीडर करूं यहां पर, तो उस केस में जो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पूरे का वो कितना आएगा, 600, 500 एंड 100 कितना आ जाएगा 600, और इसमें जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस वो कितना आएगा 600 इंटू में जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट कितना है 1/100 है, राइट। तो कितना आ गया
6 वोल्ट के इक्वल आ गया। तो इस ब्रांच की पूरी ब्रांच के जो अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट के इक्वल है। अब एक चीज देखिए आप, अगर ये इन दोनों नोड्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट के इक्वल है और ये 18 वोल्ट है, तो रिमेनिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो R1 के क्रॉस होगा, क्योंकि 18 तो कंप्लीट है ना, तो 18 में से 6 वोल्ट तो इसने कंज्यूम कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस हो गया, और 18-6 जो होगा वो R1 के क्रॉस होगा। तो 18-6 R1 के क्रॉस होने का मतलब इसके क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट इसके क्रॉस है, तो ये 12 वोल्ट की हेल्प से आप R1 में करंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां इस ब्रांच में करंट कितना आएगा, इस ब्रांच में करंट की वैल्यू आ जाएगी, उसको मैं I लिख लेता हूं, I इज इक्वल टू 12/400। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/100 एम्पियर। तो ये जो ब्रांच है इसमें 3/100 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, और उसमें से इस ब्रांच में जो करंट जा रहा है दैट इज 1/100। तो रिमेनिंग करंट इसी ब्रांच में जाएगा, तो 3/100 इसमें जा रहा है, इसमें 1/100 जाएगा, तो इसमें कितना जाएगा, 2/100 एम्पियर इस ब्रांच के अंदर करंट गया, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है 6 वोल्ट है। तो 6 वोल्ट इसके क्रॉस है और करंट 2/100 एम्पियर अगर फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस R बराबर कितना आ जाएगा, डेल्टा V बाय इस वाली ब्रांच वाली करंट, लेट्स से करंट इज I2, तो डेल्टा V बाय I2, एंड डेल्टा V इज इक्वल टू 6, एंड I2 जो है वो 2/100 है, राइट, 2/100। इसको सॉल्व करोगे अगर आप, तो आपके पास कितना वैल्यू आ जाएगा, 300 ओम। तो करेक्ट आंसर जो है इसका 300 ओम आ जाएगा, दैट इज 4th ऑप्शन, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। इन द गिवन सर्किट द सेल्स हैव 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, द करंट्स इन एम्पियर्स पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली आर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है आपको, है ना, और हमें इन दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 दे रखा है, और हमसे पूछा है कि R1 और R2 में करंट कितना फ्लो होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है बेटा। अगर आप इस सर्किट को बारीकी से देखें, तो इस 10 वोल्ट सेल की बात करूं, अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 अज्यूम कर लूं, अगर मैं अज्यूम कर लूं 0 वोल्ट है इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो इस पूरी लाइन का पोटेंशियल 0 रहेगा, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो 10 वोल्ट है, दैट मींस इस नोड का पोटेंशियल 10 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। जब इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट के इक्वल है, तो इस बैटरी को अगर मैं देखूं, तो इसमें भी डिफरेंस 10 वोल्ट का रहना चाहिए, इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट हो गया, क्योंकि डिफरेंस 10 वोल्ट होना चाहिए। तो अगर यहां पे 10 वोल्ट है अगर पोटेंशियल, तो इस पॉइंट का 0 होना ही पड़ेगा। तो अगर आप गौर से देखें, तो सबसे पहले R1 की बात करूं, तो R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 है और रेजिस्टेंस कितना, 20 ओम है। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होगा, एंड द करंट इन R1 इज पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 एंड रेजिस्टेंस इज 20, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0.5 एम्पियर। लेकिन मैं R2 की बात करूं, तो यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस 0 का मतलब करंट कितना आ जाएगा, करंट डेफिनेटली इसके अंदर R2 के अंदर कितना आएगा, 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जब 0 है तो करंट भी क्या होगा, 0 होगा बेटा, है ना। तो इसमें आंसर आ जाएगा 0.5, 0, तो सेकंड ऑप्शन बेटा इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यूनिफॉर्म मेटलिक वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 18 ओम एंड इज बेंट इनटू एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल इज। तो यूनिफॉर्म वायर है और इसको आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल में बेंड कर दिया, तो एज वी नो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। पूरे वायर का रेजिस्टेंस 18 ओम था, तो इंडिविजुअली जो जो पीस आपको दिख रहे हैं इनका रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए, 18/3 मतलब 6 ओम, इसका भी 6 ओम, इसका भी 6 ओम, इसका भी 6 ओम। और अगर आपसे ये कोई कहे कि इन दोनों नोड के बीच में, कोई भी दो वर्टेक्स के बीच में रेजिस्टेंस कितना है इक्विवेलेंट, तो ये 6 एंड 6 जो कि सीरीज में है, इन दोनों का कितना आ जाएगा, 12, और 12 और 6 जो वो पैरेलल में आ जाएंगे, देन इक्विवेलेंट कितना आएगा, 12 × 6/12+6, R1 R2/R1+R2, है ना, सिंपल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया है यहां पर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 12 × 6/18, इसको अगर आप कट करो तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 ओम। द करेक्ट ऑप्शन इज 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें बेटा। देखो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, तो ये भी कलर कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। देखो, ए 2 वोल्ट कार्बन रेजिस्टर इज कलर कोडेड विद ग्रीन, ब्लैक, रेड, ब्राउन। इस कोड को लिख लेते हैं अपन।
तो सबसे पहले कौन है? ग्रीन है, देन ब्लैक, देन रेड, ठीक है, एंड देन ब्राउन, राइट। तो ग्रीन, ब्लैक, रेड एंड ब्राउन रेस्पेक्टिवली द मैक्सिमम करंट विच कैन बी पास्ड थ्रू दिस रेजिस्टर इज। तो मैक्सिमम जो करंट इस रेजिस्टर में पास होगी उस करंट की वैल्यू हमसे पूछिए। इवन आपको पावर दे रखी है, पावर और करंट और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है? P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, है ना, P इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। तो ये P मैक्सिमम पावर है विच इज 2 वोल्ट। तो अगर आपको मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करनी है तो आपको R की वैल्यू रखनी पड़ेगी, मैक्सिमम पावर में R को डिवाइड करना पड़ेगा। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? P बाय R का अंडर रूट। तो इस वे से आप इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो इस कलर कोडिंग से बात करें अपन, तो वापस मैं कोडिंग लिखूं, बी बी रोय जी बी वी जी डब्ल्यू। ठीक है, तो इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, इस ऑर्डर में इनकी कलर कोडिंग होती है। तो सबसे पहले ग्रीन है, तो फर्स्ट डिजिट जो है वो ग्रीन की अकॉर्डिंग आएगी। तो ग्रीन की बात करें तो ग्रीन यहां पे नंबर आता है जी, ये वाला, ये ग्रीन के लिए है। तो 5, तो पहली डिजिट आएगी 5। नेक्स्ट जो डिजिट है वो ब्लैक के अकॉर्डिंग देनी है, और ब्लैक फर्स्ट नंबर पे आता है बेटा, तो ब्लैक के लिए आ जाएगा 50। देन इनटू 10 टू द पावर, देन रेड आ रहा है, रेड, रेड की बात करें तो रेड में है 2 नंबर, ये देखो 2 है, तो 10 टू द पावर 2। फोर्थ डिजिट जो है वो एक्चुअली में टॉलरेंस के लिए दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ब्राउन है कलर कोडिंग, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो यहाँ पर। तो 50 इंटू 10 टू द पावर 2 ओम जो है इसका रेजिस्टेंस है, और ये वाली वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो बेटा। देन आई की वैल्यू यहाँ पर देखो कितनी आएगी, आई इज इक्वल टू अंडर रूट पी बाय रो, पी बाय आर। पी की वैल्यू आपके पास है 50 इंटू 10 टू द पावर 2, एंड डिवाइड में आर है, रेजिस्टेंस है, और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50 इंटू ये मैंने वैल्यू गलत लिख दी है यहाँ पर, P की वैल्यू 2 वोट है, सॉरी 2 वोट रखेंगे, 2 बाय R की वैल्यू हमारे पास 50 10 टू द पावर 2, राइट। तो ये यहाँ से अगर आप 0 यहाँ पे रख दें, यहाँ पे रख दें, और ये 100 आ गया, एंड देन ये 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, और डिवाइड में बात करें तो 10 टू द पावर 4 है, तो 10 टू द पावर 2 बचेगा, राइट। तो ये हमारे पास 2 बाय 10 टू द पावर 2 आया, और 20 और 3 हो जाएगा, तो 20 मिली एम्पियर जो है, ये 10 टू द पावर 3 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा ना, तो 20 मिली एम्पियर जो है इस रेजिस्टर में से मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आ रही है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 8, ए करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर वाज पास थ्रू एन अननोन रेजिस्टर विच डिसिपेटेड ए पावर ऑफ 4.4 वोल्ट, डिसिपेटेड पावर व्हेन एन आइडियल पावर सप्लाई ऑफ 11 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। तो वोल्टेज आपको गिवन है, देखिए, है ना, और करंट भी आपको गिवन है, और आपसे पूछा है द करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर वाज पास थ्रू एन अननोन रेजिस्टर विच डिसिपेटेड ए पावर ऑफ 4.4 वोल्ट, ठीक है। डिसिपेटेड पावर व्हेन एन आइडियल पावर सप्लाई ऑफ 11 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। देखो पहली लाइन से ये क्लियरली पता लग रहा है अपन को कि करंट 2 मिली एम्पियर आप जब फ्लो करवाते हो तो कितनी पावर कंज्यूम करता है, 4.4 वोल्ट। तो वहां से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लोगे, एंड देन फिर आप अगर 11 वोल्ट की अगर सप्लाई सीधा कनेक्ट कर देते हो रेजिस्टर से, तो हमसे पूछा है कितनी पावर वो कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो पहले रिलेशन से आप बेटा पावर को लिख सकते हो आई स्क्वेयर आर से, और यहां से R की वैल्यू आ जाएगी आपके पास P बाय आई स्क्वायर। P की वैल्यू बात करें बेटा, P है हमारे पास 4.4, एंड I जो है वो 2 मिली एम्पियर है, 2 मिली एम्पियर है मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, स्क्वेयरिंग करोगे तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 स्क्वेयरिंग होगा, तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में पावर के लिए आपसे 11 वोल्ट सप्लाई के लिए पावर पूछा है, तो अब पावर को आप क्या लिखोगे, वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि पावर सप्लाई का अपन को वोल्टेज गिवन है, V 11 है तो 11 का स्क्वेयरिंग कर दोगे आप, 11 इंटू 11 बाय रेजिस्टेंस 4.4 है, 4.4, और ये डिवाइड में है तो ये 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ऊपर आ जाएगा।
ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमने इसको लिख दिया है। उसके बाद अगर देखें बेटा तो आप इसको पॉइंट को हटा सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से 44 और ये 5 आ जाएगा यहाँ पर, राइट। 11 से इसको कट कर दो 4, 4 से इसको कट कर दिया, तो 11 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इन द सर्किट शोन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज, ये आपको सर्किट दिखा रखा है यहां पर, आपसे पूछा है कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। बेटा गौर से देखिए आप, ए और बी जो वो ओपन टर्मिनल है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी इस 5 ओम रेजिस्टेंस में से। इफ फ्रॉम द रिलेशन डेल्टा वी इक्वल्स टू आई आर, इफ आई इज जीरो देन डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो, दैट मींस इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर आपने इसको ए नाम दिया है ना, तो डी भी ए को, आप डी को ए से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है। सिमिलरली फॉर दिस रेजिस्टर करंट इज ऑल्सो जीरो इन दिस रेजिस्टर, देन अगेन आई कैन से द पोटेंशियल ऑफ बी एंड सी विल बी सेम। तो दोनों का पोटेंशियल मतलब वी ए माइनस वी बी आपसे पूछा है, तो आप वी ए माइनस वी बी को वी डी माइनस वी सी भी लिख सकते हो। तो इस वाले रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं हमें, हमारे पास, ठीक है। अब बेटा देखो यहां पर देखा जाए तो 3 सेल हैं, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, ईएमएफ गिवन है ना। तो आप इसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हो अगर ये पैरेलल के अंदर है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हमें फाइंड आउट अगर करना है, तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं, ई1 बाय आर1 पैरेलल के अंदर, ई1 बाय आर1 प्लस ई2 बाय आर2 प्लस E3 by R3 अपॉन 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3, ठीक है। इस वजह से आप इक्विवेलेंट EMF फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर हम इक्विवेलेंट EMF यहां पर फाइंड आउट करें बेटा, तो वैल्यू देखो कितनी है कि E1 1 है वहां पर 1 और रेजिस्टेंस है 1 by 1 प्लस नेक्स्ट E2 2 है 2 by 1 प्लस E3 3 है 3 by 1 डिवाइड में 1 by 1 प्लस 1 by 1 प्लस 1 by 1, राइट। 1 by 1 प्लस 1 by 1 प्लस 1 by 1, इसका मतलब ये सिंपली 3 आ जाएगा। और अगर ऊपर बात करें अपन, तो 2 प्लस 1 प्लस 3 मतलब हमारे पास आ गया 6। तो ऊपर 6 आ गया, नीचे डिवाइड में 3, 6 बाई 3 कितना आ गया, 2 वोल्ट आ गया। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ जो है इस सर्किट की बात करें, तो वो 2 वोल्ट के इक्वल है बेटा। इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है, 2 वोल्ट के इक्वल है, राइट। तो इस सर्किट को इफेक्टिवली आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, देखो ई इक्विवेलेंट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का भी इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी, लेकिन उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया। डी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और सी बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप इसको इनडायरेक्टली ए और इसको बी लिख सकते हो। अब अगर आपसे कोई कहे क्या करंट फ्लो कर रहा है, अगर मैं इक्विवेलेंट बनाऊं तो इस तरीके से बन जाएगा, अब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, और मैं आपसे पूछूं कि वी ए माइनस वी बी कितना है, तो वी ए माइनस वी बी, अब इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा इसके क्रॉस। तो ए और बी के जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एग्जैक्टली इक्विवेलेंट के बराबर आएगा, तो इक्विवेलेंट के बराबर आएगा, और वो हमने अभी अभी फाइंड आउट किया, दैट इज 2 वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके बेटा, इन द गिवन सर्किट डायग्राम द करंट्स I1 इज -0.3 एम्पियर, I4 इज 0.8 एम्पियर। चलिए इसमें करंट्स दे रखी हैं हमें I1, I4, I5, और हमसे उसके कॉरस्पॉन्डिंग पूछा है कि I2, I3 एंड I6 की वैल्यू क्या आएगी। तो इस सर्किट डायग्राम को ढंग से देख लीजिए आप, सर्किट डायग्राम क्या कह रहा है यहाँ पर। तो बेटा इसको मैं यहीं पे ही देख सकते हैं आप, देखिए। तो सबसे पहले I1 की बात करूँ, I1 की वैल्यू नेगेटिव में दे रखी है अपन को, माइनस का 0.3। माइनस 0.3 मींस I1 जो है वो यू नहीं फ्लो हो रहा, इसका अपोजिट डायरेक्शन फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं डायरेक्शन अगर रिवर्स कर दूं, तो इसको मैं 0.3 एम्पियर लिख सकता हूं। और जो I4 है, I4 इस ब्रांच में जा रहा है, देखिए इस ब्रांच में जो करंट है दैट इज 0.8 एम्पियर। तो बेटा I2 जो है वो बहुत ईजिली बताया जा सकता है, क्योंकि I2 जो है वो इनकमिंग है, और I4 एंड I1 जो इसकी मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी है, ये आउटगोइंग करंट है। इसका मतलब ये I2 जो है इन दोनों के करंट के सम के इक्वल होगा, करेक्ट, ठीक है। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट फॉर एनी नोड, राइट। तो I2 जो है वो दिस प्लस दिस के इक्वल होगा, 0.8 एंड 0.3। सो I2 इज इक्वल टू 0.8 प्लस 0.3 एंड विच कम्स आउट टू बी 1.1 एम्पियर, राइट। तो 1.1 एम्पियर करंट डेफिनेटली I2 का आंसर होगा। अच्छा I3 की बात करें, I3 हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है, I3 को भी देखते हैं अपन।
यहां पे हमें आई फाइव की भी वैल्यू गिवन है। देखो हमें दे रखा आई फाइव, तो आई फाइव मैं लिख देता हूं 0.4 एम्पियर, तो ये 0.4 है और ये 0.8 है, राइट। तो 0.8 इस तरफ जा रहा है और आई थ्री इस तरफ जा रहा है, तो आई थ्री और इस वाली करंट का जो सम है वो इसके बराबर होना चाहिए। इसका मतलब 0.8 जो है वो 0.4 एंड आई थ्री के इक्वल होगा, सम के इक्वल होगा। तो 0.8 इज इक्वल टू 0.4 प्लस आई थ्री, देन आई थ्री इज इक्वल टू 0.8 माइनस 0.4, ठीक है। तो इसका मतलब आई थ्री की वैल्यू भी 0.4 आ गई, तो आई थ्री की वैल्यू कितनी आएगी 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर देखिए इसमें मैच हो रहा है ना, केवल इसी में मैच हो रहा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन चलिए आई सिक्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। आई सिक्स जो है वो एग्जैक्टली आई फाइव के बराबर होगा, बोलो आई फाइव के बराबर होगा आई सिक्स। तो आई फाइव कितना है, आई फाइव था 0.4, तो ये भी 0.4 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। फॉर द सर्किट शोन विद आर वन इक्वल्स टू 1.0 ओम, आर टू इक्वल्स टू 2.0 ओम, ई वन इक्वल्स टू 2 वोल्ट, ई टू इक्वल्स टू ई थ्री इज इक्वल टू 4 वोल्ट, द पोटेंशियल बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज अप्रोक्सीमेटली इन वोल्ट, है ना। तो आपको आर वन की वैल्यू 1 ओम गिवन है बेटा, ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम के इक्वल है, आर टू की वैल्यू 2 ओम के इक्वल है, एंड ई वन जो है वो 2 वोल्ट के इक्वल है, ठीक है, ये एज इज रख देते हैं। अच्छा ये भी आर वन है, ये भी 1 ओम के इक्वल होगा। उसके बाद अगर बात करें इस ई थ्री की, तो ई टू एंड ई थ्री 4 वोल्ट के इक्वल है, ये भी 4 वोल्ट होगा, ये भी 4 वोल्ट होगा, और आर वन ये 1 ओम के इक्वल है, राइट, ठीक है। तो ये सॉरी यहाँ पे ये 2 ओम है, ठीक है। तो ये सर्किट आपको गिवन है और हमसे ये पूछा है कि ए और बी के बीच में जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को नोड मेथड से अगर किया जाए तो देखो किस वे से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेटा देखिए ये जो दोनों रजिस्टर हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सीरीज में बेटा, क्योंकि एक ही ब्रांच के अंदर है ये, तो 1 एंड 1 का जो इक्वलेंट है यहाँ पर आ जाएगा 2 ओम, राइट। तो इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ यहाँ पर 2 ओम, और ये जो बैटरी है इस बैटरी का वोल्टेज 2 वोल्ट है, ठीक है। तो इसको मैं इस वे से इसको अरेंज कर देता हूँ, तो ये 2 वोल्ट करेक्ट। अब इसकी बात करें तो ये 2 ओम है, तो यहाँ पर ये 2 ओम मैंने कनेक्ट कर दिया, अगेन ये बैटरी है यहाँ पर, ये 4 वोल्ट की बैटरी है। नेक्स्ट ब्रांच की बात करें तो आर वन एंड आर वन, ये 1 एंड 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 2 ओम। यहाँ पर जो बैटरी लगी है 4 वोल्ट की बैटरी लगी है, 4 वोल्ट की बैटरी को मैं एक साथ यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, इस 4 वोल्ट, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल सा सर्किट बन चुका है। अब इस नोड का पोटेंशियल मैं 0 कंसीडर कर लेता हूँ, राइट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 0, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 4 वोल्ट के इक्वल हो गया, और यहाँ पर देखा जाए तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 2 वोल्ट के इक्वल हो गया। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं एक्स कंसीडर कर लेता हूँ बेटा, राइट। तो यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक करंट आउटगोइंग कंसीडर कर लेता हूँ तीनों ब्रांचेस के अंदर, तो ऑब्वियसली तीनों करंट का सम 0 के इक्वल होगा, क्योंकि इनकमिंग करंट बेटा यहाँ पर इस जंक्शन पे 0 है, तो आउटगोइंग करंट 0 होनी चाहिए। तो करंट के लिए वही सेम अप्रोच, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस, तो एक्स माइनस 2 इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एक्स माइनस 2 आएगा, सो एक्स माइनस 2 अपॉन रेजिस्टेंस जो है वो 2 के इक्वल है। इस ब्रांच की बात करें तो एक्स माइनस 4 आएगा, सो एक्स माइनस 4 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, 2 रख दिया मैंने यहाँ पर। इस ब्रांच के लिए बात करूँ तो एक्स माइनस 4, सो एक्स माइनस 4 अपॉन में 2, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा था ये, एक्स माइनस 4 बाई 2, एक्स माइनस 4 बाई 2, एक्स माइनस 2 बाय 2, तो इसको मैं 0 के इक्वल रख दूंगा यहाँ पर। तो देखो ये 2 हट जाएगा, तो एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4, तो यहाँ से ये 3x आ जाएगा, एंड देन 4 एंड 4 8, एंड 8 एंड 2 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस का, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी आई 10/3। इसका मतलब इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो हमारे पास 10/3 आ चुका है, इस पॉइंट का पोटेंशियल, राइट। और इस पॉइंट का पोटेंशियल है 0, है ना, इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने 0 कंसीडर किया है। तो हमसे यही पूछा है कि VA माइनस VB कितना है, दिस माइनस दिस, सो VA माइनस VB इज वेरी सिंपल, VA माइनस VB जो है वो एक्चुअली में x माइनस 0 ही तो है, और x की वैल्यू बेटा कितनी आ चुकी है 10/3, और VB की वैल्यू मैंने 0 लिखी है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 10/3, एंड 10/3 से 3.3 अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ए टू
100 ohm resistor has a certain color code. If one replaces the red color by green in the code, the new resistance will be. Again, color coding पर based question आ गया, देखिए ये तीसरा question मिला है आपको यहाँ पर, तो प्लीज उस पार्ट को छोड़िएगा नहीं, उस पार्ट को जरूर आप कवर कीजिएगा बेटा, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है और उसके मार्क्स 4 मिलते हैं आपको, तो प्लीज इस पार्ट को जरूर कवर कीजिए। तो रेजिस्टेंस 200 ओम है, राइट? तो फर्स्ट डिजिट 2 है, सेकंड डिजिट 0 है, एंड थर्ड डिजिट जो है वो 10 है, मतलब 10^1। इसके अकॉर्डिंग कलर कोडिंग हमें बतानी है। तो कलर कोडिंग की बात करें बेटा, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं बी बी आर ओ वाई। तो फर्स्ट डिजिट जो है, फर्स्ट जो कलर है वो ब्लैक है, उसके लिए 0 आता है, देन ब्राउन के लिए 1 आता है, देन रेड के लिए 2 आता है, ठीक है, ऑरेंज के लिए फिर 3 आता है। तो यहां पे फर्स्ट डिजिट जो 2 है वो देखा जाए तो रेड के अकॉर्डिंग आई है, तो डेफिनेटली फर्स्ट कलर जो है वो रेड ही है यहां पर। उसके अलावा देखा जाए 10^2 भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब रेड आगे नहीं आएगा कहीं पे भी, ठीक है। तो केवल रेड पहली ही रिंग पे रेड कलर हमें दिखाई देगा। तो ये कह रहा है कि रेड कलर को अगर आप ग्रीन कलर से रिप्लेस कर दें, ग्रीन की बात करें तो ग्रीन में कितना आएगा, तो बी बी आर ओ वाई, ठीक है। तो यहां पे देखिए ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5 आता है बेटा। तो अगर मैं इस जो रेड है उसको अगर ग्रीन से रिप्लेस कर दूंगा, तो ग्रीन आने पर ये फर्स्ट डिजिट जो है वो 2 से हट करके 5 आ जाएगी। तो 50 × 10^1, दैट मीन्स 500 ओम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फिगर शोन व्हाट इज द करंट इन एम्पियर ड्रोन फ्रॉम द बैटरी यू आर गिवन। सारे रेजिस्टर्स जो है उनकी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू दे रखी है आपको, R1, R2, R3, R4, R5, R6 एंड EMF E की वैल्यू भी आपको 15 वोल्ट गिवन है। तो हमसे यहां पर करंट की वैल्यू पूछी है, तो करंट आप तभी कैलकुलेट कर पाओगे जब आपके पास इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस मालूम हो। तो देखिए R3 की वैल्यू यहां पर देखा जाए तो 20 ओम है, ठीक है। R4 जो है वो 5 ओम है और R5 जो है वो 25 ओम है, ठीक है। तो ये तीनों सीरीज में है, तो 20 एंड 5 25 एंड 25 50 ओम हो गया। इसका पूरे का जो इक्विवेलेंट है वो 50 आ जाएगा। और ये जो R2 है, R2 की वैल्यू आपको 10 ओम दे रखी है, तो ये 50 एंड 10 जो है वो पैरेलल में आ जाएंगे, कंबाइन होंगे, तो पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 10 × 50/10, मतलब 60, इससे कैंसिल आउट हो गया, देन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/6 ओम। तो इस रेजिस्टेंस का मतलब इस पार्ट का पूरे का जो रेजिस्टेंस है वो 50/6 आ जाएगा। देन 50/6 जो है वो R1 और R6 के साथ सीरीज में है, तो R1 की वैल्यू 15 है, देन R6 की वैल्यू यहां पर गिवन है 30 ओम, R6 यहां पे 30 ओम है, 30 ओम रख दिया, प्लस इसका जो इक्विवेलेंट आया वो 50/6 है, 50/6 यहां रख देते हैं। 50/6 को आप तोड़ सकते हो, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 3 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा, ठीक है, ये 25। तो यहां से आपके पास ये वैल्यू कितनी है, ये आ जाएगा 45, राइट? 45 प्लस 25 बाई 3, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, 5 को कॉमन ले लीजिए, तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है, ये 5 बाई 3 और ये 5 बाहर आ गया, ठीक है, बाकी मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, देखो, ठीक है, तो 27 और 5 ये 32 आ जाएगा, 32/3 × 5, तो ये रेजिस्टेंस आ गया। अब आपको ईएमएफ जो है वो 15 वोल्ट गिवन है, तो करंट आई की वैल्यू कितनी आएगी, आई आ जाएगा ई बाय आर इक्विवेलेंट, राइट? तो आई इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है, 15 अपॉन आर इक्विवेलेंट जो हमारे पास है उसको रख देते हैं हम, 32 × 5/3, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये 3 यहां पर कट जाएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से हमारे पास, ये आ जाएगा 9/32 एम्पियर। सो 9/32 इज द राइट आंसर। तो ये हमें सेकेंड ऑप्शन में मिल रहा है बेटा, देखिए, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में ये मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ए सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर डिराइव्स करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, द पावर डिलीवर्ड बाय द सेल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम व्हेन। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का ये पार्ट का ये क्वेश्चन है। आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि अगर कोई सेल है आपके पास और उस सेल का सपोज जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज आर, ईएमएफ इज ई, ठीक है, और बाहर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर आपको गिवन है, राइट? ये कुछ इस टाइप से सर्किट गिवन है।
द पावर डिलीवर्ड बाय द सेल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम. ये एक्सटर्नल है बेटा. अगर ये पावर इसको मैक्सिमम डिलीवर करता है ना, इसमें पावर कंजप्शन जो मैक्सिमम अगर होता है इस वाले रेजिस्टेंस में, जो कि अननोन है हमारे लिए, अगर इसमें पी मैक्स होता है बेटा, तो उस केस में हमेशा ध्यान रखिए इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली इसके बराबर होगी, तभी पी की वैल्यू मैक्स आएगी. वैसे अगर आप करंट की बात करें इस सर्किट में, तो करंट कितना आएगा, आई इज इक्वल टू ई अपॉन में आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि ये दोनों के दोनों सीरीज में है बेटा, तो ई अपॉन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर प्लस स्मॉल आर, ये करंट आ गया. और करंट अगर आपके पास है तो ये जो कैपिटल आर रेजिस्टर आपको दिख रहा है, ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर. इसका अगर आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो ई स्क्वायर बाय आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इनटू कैपिटल आर. एंड योर कैपिटल आर इज वेरिएबल, राइट. अगर आप कैपिटल आर को चेंज करोगे तो यहां से पावर भी चेंज होगी. तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अगर अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इसका जो ग्राफ बनता है ना, वो ग्राफ बेटा कुछ कुछ इस टाइप से बनता है, इस टाइप से, राइट. तो यहां पर ये कैपिटल आर की वैल्यू है, कैपिटल आर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए पावर कंजप्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है. इस पॉइंट के लिए पावर मैक्सिमम आती है हमारे पास और कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर होती है इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए. तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, डीपी बाई डी आर करेंगे, मतलब पी का कैपिटल आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट मिलता है बेटा कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर. ठीक है, अनोन रेजिस्टर जो दे रखा है उसी में ही पावर कंजप्शन अगर मैक्सिमम पूछे तो उसकी वैल्यू आर के स्मॉल आर के इक्वल हो जाएगी बेटा. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा यहां पर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें. ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज बेंड टू फॉर्म ए स्क्वायर ए बी सीरीज शोन इन द फिगर. द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ई एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ आर्म सी डी. ठीक है, तो हमें रेजिस्टेंस कंप्लीट इस वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर गिवन है और हमसे अब ये पूछा है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ई एंड सी. अगर आप ई को गौर से देखें, ये ई पॉइंट है और ये सी पॉइंट ये वाला है, इन दोनों के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है. कैपिटल आर अगर रेजिस्टेंस है तो सीधा सा हम ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है बेटा. तो यहां से अगर हम गौर से देखें तो इस वाले वायर का रेजिस्टेंस आर बाय फोर आएगा, कंफर्म है. इस वाले का आर बाय फोर आएगा, इस वाले का आर बाय फोर आएगा और ये भी आर बाय फोर आएगा. और आर बाय फोर को भी दो पार्ट में तोड़ दें तो ये आर बाय एट आएगा इस वाला, और इस तरफ वाला आर बाय एट आ जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, तो इसका हाफ हाफ हो जाएगा. तो अगर आप ये देखें तो इन दोनों पॉइंट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये वाला पार्ट यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये सारे सीरीज में है, मतलब आर बाय फोर आर बाय फोर आर बाय फोर, कितना आ जाएगा, थ्री आर बाय फोर सीरीज में आएगा एंड इवन आर बाय एट भी सीरीज में आएगा. तो थ्री आर बाय फोर मतलब आर बाय फोर आर बाय फोर आर बाय फोर एंड आर बाय एट, तो थ्री आर बाय फोर प्लस आर बाय एट, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिक्स आ जाएगा, ये एट आ जाएगा, सिक्स प्लस वन मतलब सेवन आर बाय एट. तो सेवन आर बाय एट इस पूरी ब्रांच का ऊपर वाले का रेजिस्टेंस आएगा और ये वाले का नीचे का आर बाय एट. इसका मतलब इफेक्टिवली अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा बन रहा है, देखिए ये है ई और ये है सी, ये है आर बाय एट और ये वाला है सेवन आर बाय एट. अब ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या कीजिएगा, इनका वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू वन अपॉन आर इक्विवेलेंट. सो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन मीन्स एट बाय सेवन आर प्लस एट बाय सेवन आर एंड आर बाय एट मतलब वन एट बाय आर, राइट. तो यहां से अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये सेवन आर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा एट प्लस ये फिफ्टी सिक्स, ठीक है, फिफ्टी सिक्स एंड एट की बात करें तो ये आ जाएगा सिक्सटी फोर. तो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट जो सिक्सटी फोर बाय सेवन आर आ गया, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो फिर कितना आ जाएगा, सेवन आर बाय सिक्सटी फोर. तो सेवन आर बाय सिक्सटी फोर जो है वो हमें फोर्थ ऑप्शन में मिल जाएगा. ठीक है बेटा, तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. आइए डिटरमाइन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन द फॉलोइंग सर्किट. इस सर्किट में हमें चार्ज फाइंड आउट करना है कैपेसिटर पर. आपको ये कैपेसिटर दिख रहा है बेटा, तो अगर जनरल वे में अगर आपसे कोई किसी क्वेश्चन में पूछे कि कैपेसिटर पे चार्ज कितना, इसका मतलब आपसे स्टेडी स्टेट कंडीशन में चार्ज पूछा है. स्टेडी स्टेट मतलब जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा. तो जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा इस केस में, तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा बेटा, करंट केवल इन्हीं रजिस्टर में से फ्लो होगा. तो अगर आप इस गौर से देखिए, इस रजिस्टर की बात करें तो यहां से ही करंट फ्लो होगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा बेटा. और ये करंट यहीं से ही आ रहा होगा, टू से टेन में, देन फिर इधर जाएगा वापस घूम के, ठीक है, कुछ करंट यहां से भी डिवाइड हो जाएगा. तो मैं अल्टीमेटली इस करंट की वैल्यू निकालनी है बेटा. अगर ये करंट आ गई ना,
तो करंट को मैं 10 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को इसके क्रॉस अप्लाई कर दूंगा और वहां से मेरे पास चार्ज भी आ जाएगा। तो हमें अल्टीमेटली यहाँ पे करंट निकालनी है, तो ये कोई ज्यादा बड़ा कोई इशू नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 10 एंड 2 जो है वो बेटा सीरीज में हो जाएंगे क्योंकि दोनों में करंट सेम है, तो 10 एंड 2 का इक्विवेलेंट कितना आएगा 12। 12 और 4 जो है वो पैरेलल में आ जाएंगे, क्योंकि ये 12 हो जाएगा और ये 4 है, तो 12 एंड 4 पैरेलल में आ जाएगा। तो 12 एंड 4 का पैरेलल में कितना आएगा, 4 × 12 / 4 + 12 मतलब 16। तो यहां से इसको कट करेंगे तो ये कितना आया, 3 ओम आ गया। तो इस पूरी असेंबली का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम है। 3 एंड 6 आ जाएगा 9, क्योंकि सीरीज में है, 9 ओम रेजिस्टेंस आ चुका है और टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 72 वोल्ट गिवन है। तो इसका मतलब इस ब्रांच में जो करंट जाएगी, जो मेन जो करंट इस ब्रांच में जाने वाली है, उसको मान लीजिए I0 मान लूं, सो I0 इज इक्वल टू 72/9 ओम। ठीक है, 9 से अगर मैं डिवाइड करूं यहां पर तो 8 एम्पियर करंट आ चुकी है। तो ये 8 एम्पियर करंट बेटा यहां से इधर जाएगी। अब इस 8 एम्पियर करंट का डिवीजन हो जाएगा, कुछ पार्ट इधर जाएगा कुछ पार्ट इधर जाएगा। अच्छा, ये दोनों का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12 था और इसका कितना है 4 है, तो करंट बेटा दो पार्ट में स्प्लिट होगी, एक तो इधर और एक इधर। इस ब्रांच में जो करंट जा रही है दैट इज आई। अब इसको करंट डिवाइडर रूल से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो आई करंट जा रहा है ना, आई इज इक्वल टू जो मेन ब्रांच वाली करंट आई नॉट है, जो कि हमें मालूम है 8 एम्पीयर है, तो 8 इंटू में मेन ब्रांच वाली करंट 8 इंटू में सामने वाला रेजिस्टेंस 4 / 4 + 12 दोनों का सम, 4 + 12 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 4 + 12 = 16, इसको कट करोगे ये 4, तो इसको कट करोगे 2, तो मतलब वैल्यू कितनी आ गई 2 एम्पीयर। तो इस ब्रांच में जो करंट जा रही है वो 2 एम्पीयर है बेटा। और तो 10 ओम जो आपको रेजिस्टर दिख रहा है इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, 2 × 10 मतलब 20 वोल्ट। तो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो 20 वोल्ट के इक्वल आ गया। अब कैपेसिटर में हमसे चार्ज पूछा है बेटा, तो क्यू इज इक्वल टू C × V, V पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा कैपेसिटर के क्रॉस। तो C की वैल्यू हमें दे रखी है 10 माइक्रो फेरेड, 10 माइक्रो में है, वोल्टेज बेटा 20 है, तो यहां से कितना आ जाएगा 200 माइक्रो कूलाम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन 200 माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 17, इन ए कंडक्टर इफ द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज 8.5 × 10⁸ पर मीटर क्यूब एंड मीन फ्री टाइम इज 25 फेमटोसेकंड, इट्स अप्रोक्सीमेट रेजिस्टिविटी इज। रेजिस्टिविटी पूछिए बेटा हमसे। तो रेजिस्टिविटी रिलैक्सेशन टाइम या मीन फ्री टाइम, ठीक है, मीन फ्री टाइम के टर्म्स में किस वे से हम लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी रो इज इक्वल टू ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E square है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E square τ। इस वे से बेटा अपन रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस आगे कुछ नहीं करना, आगे बस वैल्यू दे रखी है वो रखनी है हमें। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कितना गिवन है, 9.1 × 10⁻³⁻³ ये रख दीजिए, अपॉन एन आपको गिवन है 8.5 × 10⁸, तो 8.5 × 10⁸ करेक्ट, और इंटू में ई स्क्वेयर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जानते हो आप, स्क्वेयरिंग करोगे तो 1.6 × 1.6 × 10⁻¹⁹ होता है, स्क्वेयरिंग करोगे तो 10⁻³⁸ हो जाएगा, और इंटू में टो रिलैक्सेशन टाइम या मीन फ्री टाइम जो कि आपको गिवन है 25 फेमटोसेकंड, राइट, तो 25 फेमटोसेकंड होता है बेटा 10⁻⁵⁵, तो 10⁻⁵⁵ यहाँ आ जाएगा। हालांकि यहाँ पर ऑर्डर दे रखा है हमें, ऑर्डर की वैल्यू पूछी है लगभग, तो 10⁻⁸, 10⁻⁻³⁸ है, राइट, तो यहाँ पर माइनस का 10 बचेगा, -15 और -10 हो जाएगा -25, तो ये 10⁻⁵, या 10⁻³⁹, तो 10⁻⁶ बचेगा यहाँ पर। बाकी देखो यहाँ पे 25 आ रहा है, ये 1.6, ये 8.5, 9.1, तो ये 9.1 × 10⁻⁶, और डिवाइड में देखा जाए तो ये 8.5 है और ये 1.6 × 1.6 2.56 आ गया, इंटू में 25। ठीक है, तो रफली अगर आप देखो इसको तो ये इससे कट कर सकते हो आप ऑलमोस्ट, और ये लगभग आ जाएगा 62.5 से भी थोड़ा ज़्यादा आएगा वैसे। तो डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली 100 को अगर आप यहाँ कंसीडर करोगे तो 10⁻⁸ लेकर के इंटू में 100 कर सकते हो, फिर ये डिविजिबल है, मतलब ऑलमोस्ट 1 के आसपास आ जाएगा, 1 से थोड़ा सा ग्रेटर हल्का सा। तो जो ऑर्डर है लगभग 10⁻⁸ ओम मीटर के अराउंड आ जाएगा बेटा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेटिव है बेटा क्वेश्चन, गुणा भाग है, वो करना पड़ेगा आपको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ए मेटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम इज इलोंगेटेड टू मेक ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ डबल इट्स प्रीवियस लेंथ। तो आपने वायर को खींच करके उसकी लेंथ को डबल कर दिया, ठीक है बेटा। अगर आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखें तो आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है ना। अगर आप वायर को अगर पुल करोगे, खींचोगे, तो वॉल्यूम अगर फिक्स रहे उसका, तो उस केस में आप एल का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, देन रो एल स्क्वेयर बाय ए एल, मतलब वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम फिक्स रहेगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो एल स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल हो गया। तो अगर आपने लेंथ को डबल कर दिया प्रीवियस का, तो रेजिस्टेंस जो है डबल करोगे तो 2 2 जा 4, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। रेजिस्टेंस पहले 3 ओम था ना, आर जो पहले था वो 3 ओम था, अब आर फाइनल केस में कितना आ जाएगा इसका, इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। समझ मारी बात, क्योंकि लेंथ को डबल कर दिया ना आपने, तो 2 2 जा 4 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 4 टाइम्स कर दें तो 12 ओम हो जाएगा ये। तो रेजिस्टेंस वायर को खींचने के बाद, इलोंगेट करने के बाद, रेजिस्टेंस 4 ओम 12 ओम के इक्वल हो गया। दिस न्यू वायर इज नाउ बेंट एंड देन एंड्स जॉइन टू मेक ए सर्कल। अब इस नए वायर को आपने सर्कल की फॉर्म में कनेक्ट कर दिया बेटा, इसका रेजिस्टेंस 12 ओम है। इफ द टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल मेक एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, कोई भी दो पॉइंट हैं, अगर वो दो पॉइंट सेंटर पर 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, 60 डिग्री, करेक्ट, ओके, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछा है, ये सेंटर पॉइंट हुआ बेटा। अब आप ये देखिए टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, ठीक है। 360 डिग्री एंगल के क्रॉस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस था कंप्लीट वायर का वो 12 ओम के इक्वल था, फिर 1 डिग्री के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, 12 बाय 360। तो फिर 60 डिग्री के अकॉर्डिंग जो वायर आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जो वायर सेगमेंट दिख रहा है, 60 डिग्री के अकॉर्डिंग कितना रेजिस्टेंस आएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको कट करो बेटा, ये 6 आ गया, 6 से कट करो 2 ओम। तो इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है, इसका मतलब रिमेनिंग पार्ट का रेजिस्टेंस जो 10 ओम के इक्वल है, तभी तो 10 इंटू 12 हुआ ना। तो 10 ओम और 2 ओम, अब ये दोनों पैरेलल के अंदर है, देखिए गौर से, ये 10 ओम और ये 2 ओम पैरेलल के अंदर, तो इसका मतलब इन दोनों नोड्स के बीच में जो रेजिस्टेंस आएगा वो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आएंगे बेटा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 10 इंटू 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, 10 इंटू 2 अपॉन में 10 प्लस 2 विच इज 12। इसको अगर आप कट करोगे बेटा तो ये 6 आ गया, इसको कट कर दो ये 5, तो 5 बाय 3 ओम इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इन द गिवन सर्किट एन आइडियल वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस द 10 ओम रेजिस्टेंस रीड्स 2 वोल्ट, द इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ ईच सेल इज, तो जो सेल आपको दिख रहे हैं यहां पर, इन दोनों सेल का रेजिस्टेंस आर है, तो ये 1.5 है, ये 1.5 है, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है इन दोनों सेल के लिए मैं 2R लिख सकता हूं, और इक्विवेलेंट ईएमएफ जो है वो 1.5 एंड 1.5 मतलब 3 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 वोल्ट जो है वो इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया, और रेजिस्टेंस जो है वो 2R के इक्वल आ गया, ये 3 वोल्ट ये 2R। अब हमें यहां पर 15 ओम दे रखा है, ये 10 ओम दे रखा है, और 10 ओम के क्रॉस 2 वोल्ट ये मेजर करता है, तो 10 ओम के क्रॉस 2 वोल्ट है बेटा, इसका मतलब इन दोनों नोड्स के बीच में 2 वोल्ट है। दैट मींस अगर इन दोनों के क्रॉस 2 वोल्ट है, इसका मतलब इसके क्रॉस कितना बचेगा, क्योंकि टोटल जो है वो 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट अगर 3 वोल्ट में से अगर 2 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप होता है तो 1 वोल्ट इसके क्रॉस होगा। अगर 1 वोल्ट इसके क्रॉस होगा तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा इस मेन ब्रांच में, इस वाली ब्रांच में, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 1 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना, 2 ओम, तो 1 बाय 2 मतलब इस ब्रांच के अंदर जो करंट फ्लो करेगा बेटा दैट इज 1 बाय 2 एम्पियर, ठीक है। ये 1 बाय 2 एम्पियर बेटा यहां से ये करंट फ्लो करेगा, ओके, कोई इशू नहीं है यहां तक, नहीं यहां पे मिस्टेक कर दी हमने, क्योंकि रेजिस्टेंस भी है 2R ओम, तो यहां पे ये मिस्टेक हो जाती, तो इसको मैं रब करूंगा, ये 1 बाय 2 एम्पियर करंट फ्लो नहीं करेगा बेटा, एक सेकेंड रुकिए, क्योंकि यहां पे 2R रेजिस्टेंस था तो मुझे लगा 2R नहीं है, तो 3 वोल्ट डायरेक्टली इन्हीं के अक्रॉस जनरेट होगा, तो 3 में से 2 इसको दे दिया और 1 इसको दे दिया, हालांकि यहां पर 2R रेजिस्टेंस भी है, उसको भी ध्यान में रखना है, तो ये गलती नहीं कीजिएगा। ये 15 ओम है, ये 10 वोल्ट है बेटा, 10 ओम है, तो इसके क्रॉस तो हमें दे रखा है ना, इसने 2 वोल्ट है, तो 15 एंड 10 का जो इक्विवेलेंट आएगा हमारे पास वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 15 एंड 12 का इक्विवेलेंट कितना आएगा पैरेलल के अंदर बेटा, 15 इंटू 10
अपॉन में 15 + 10 मतलब 25, इसको कट करेंगे अगर आप तो 5 3 5 एंड 2, ये 6 ओम रेजिस्टेंस आ गया इसका इक्विवेलेंट, ये 6 ओम है। अच्छा 6 ओम के क्रॉस 2 वोल्ट है, तो 6 ओम के क्रॉस अगर 2 वोल्ट है, ये 6 ओम आ गया ना, 6 ओम के क्रॉस 2 वोल्ट है तो करंट कितना जाएगा, 2/6 क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 2 है, तो 2/6 मतलब 1/3 एम्पियर। अब तो ठीक है 1/3 एम्पियर करंट इसके अंदर फ्लो होगा डेफिनेटली, 1/3 एम्पियर अगर करंट फ्लो होगा, अच्छा तो ये भी 1/3 इसके क्रॉस भी, इसमें से भी फ्लो होगा ठीक है। बाकी आप डायरेक्ट आप केवीएल से इसको सॉल्व कर सकते हो, सिंपल है ये क्वेश्चन। देखिए ये कितना है, 6 आया, ये 2 है, 6 एंड 2 सीरीज में हो जाएंगे, फिर 6 एंड 2 8 हो गया बेटा, और इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए, यहां पर करंट करंट जो है 1/3 एम्पियर जाएगा। अब आप देख लीजिए टोटल रेजिस्टेंस की बात करें सर्किट की, वो 8 + 2R है बेटा, तो टोटल रेजिस्टेंस इज 8 + 2R एंड टोटल जो वोल्टेज डिफरेंस है, जो टोटल जो है वो 3 वोल्ट है, तो करंट 1/3 है, तो टोटल जो वोल्टेज है वो 3 अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस इज 8 + 2R, तो 3 अपॉन में 8 + 2R करंट को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, तो 1/3 के इक्वल होना चाहिए, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 8 + 2R, सो 9 - 8 इज 1, 1 इक्वल टू 2R, देन R इक्वल टू 1/2, 1/2 मीन्स 0.5 ओम। तो इंडिविजुअल जो भी आपको सेल दे रखे हैं उनका रेजिस्टेंस जो है वो 0.5 ओम के इक्वल हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। ए करंट ऑफ 5 एम्पियर पासेस थ्रू ए कॉपर कंडक्टर, रेजिस्टिविटी आपको गिवन है ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 mm, फाइंड द मोबिलिटी ऑफ द चार्जेस इफ देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 1.1 × 10⁻³ मीटर/सेकंड। तो मोबिलिटी आपसे पूछी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको गिवन है, यहां पर रेजिस्टिविटी भी गिवन है राइट, क्रॉस सेक्शन जो है उसका रेडियस भी आपको गिवन है बेटा। तो मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी की अगर हम बात करें तो मोबिलिटी को हम किस वे से रिप्रेजेंट करते हैं, मोबिलिटी होता है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, म्यू जो मोबिलिटी होती है किसी भी चार्ज कैरियर के लिए, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है। और VD जो है वो हमें यहाँ पर जो है वो दे रखा है, इवन E की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी ठीक है, करंट डेंसिटी इनमें क्या रिलेशन होता है, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई ठीक है, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, सिग्मा जो है वो कंडक्टिविटी होती है और जे करंट डेंसिटी जिसको मैं आई बाई ए लिख सकता हूं ठीक है, और सिग्मा जो है उसको 1/ρ लिख सकता हूं इज इक्वल टू ई, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, I ρ/A, तो ई की वैल्यू बेटा I ρ/A मैं यहां रख दूंगा, तो मोबिलिटी जो है म्यू इज इक्वल टू VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में ई जो कि I ρ/A है। ये लो जी ये वैल्यू आ गई हमारे पास है ना, ये फॉर्मूला हमने डिजाइन कर लिया है। अब यहां पर VD जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा जो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी गिवन है, 1.1 × 10⁻³ वो रख देंगे हम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, अच्छा रेडियस गिवन है तो रेडियस दिया रखा है हमें, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आएगा, πr², तो πr जो है 5 mm है उसको मीटर में हम कन्वर्ट करके यहां पे रख सकते हैं। करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर यहां रख देंगे, और रेजिस्टिविटी रो जो है वो भी आपको गिवन है, वो वाली वैल्यू भी आप यहां रख देंगे। जब आप बेटा इसको वैल्यू रखोगे तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। इसमें भी कैलकुलेशन है ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन है बेटा, तो कैलकुलेशन आपको रखनी पड़ेगी ठीक है। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच मैंने यहाँ पे बता दी है, उस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बाकी वैल्यू रखनी है बेटा, अपना आंसर आ जाएगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इन एन एक्सपेरिमेंट द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन सम रेंज एज शोन इन द फिगर, इट इज ए स्ट्रेट लाइन, वन में कंक्लूड दैट। तो हमें यहां पर एक ग्राफ दे रखा है, देखिए LnRT और 1/T² के साथ ठीक है, तो ये ग्राफ देखा जाए बेटा स्ट्रेट लाइन है राइट, ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग कौन सा ग्राफ इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो हमें यहां पर बताना है, समझना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, बेस्ट वे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो यही है कि आपको जो इक्वेशन दे रखी है ऑप्शन के अंदर उनमें आप लॉग ले लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ग्राफ के अकॉर्डिंग देखिए कि ग्राफ उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, वही बेस्ट तरीका है बेटा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है RT = R0 e^t² / t²,
तो इसका अगर मैं लॉग लूं बेटा तो यहां पर फर्स्ट में आ जाएगा ln r, rt को मैंने r ही लिखा है, और ln r नॉट, और फिर जो है वो ln r नॉट इंटू e टू द पावर t स्क्वायर अपॉन t नॉट स्क्वायर, राइट। तो यहां पर जो है अगर आप log m इंटू n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो log मतलब ln r नॉट, ठीक है, log m इंटू n मतलब log m प्लस log n, तो ln r नॉट प्लस ln e t स्क्वायर अपॉन t नॉट स्क्वायर। तो ये ln, ये तो r आ गया, ln r आ गया, और ln r नॉट जो एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, प्लस ln बेस e है और यहां पर भी e है तो ये हट जाएगा, ये वाला ln हट जाएगा, तो केवल वैल्यू आ जाएगी t स्क्वायर बाई t नॉट स्क्वायर। तो इतना तो कंफर्म पता लग रहा है कि ln r और ये t स्क्वायर के साथ जो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन ये तो 1 अपॉन t स्क्वायर के साथ ग्राफ बना रखा है स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब ये वाला तो पक्का पक्का इनकरेक्ट हो गया। सेकंड की बात करें तो यहां पे r नॉट e टू द पावर माइनस t नॉट स्क्वायर बाई t स्क्वायर है, तो यहां पर t नॉट स्क्वायर बाई t स्क्वायर है, ये सिंपली t है और यहां पर माइनस है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे बेटा तो ये c आ जाएगा और ये यहां पर ln जो e है वो भी हट जाएगा, ठीक है, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास c माइनस टी नॉट स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, टी नॉट स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, राइट। तो अब अगर आप देखें तो ln r जो है वो एज ए y की तरह है, ये पूरा y है, और 1 अपॉन टी स्क्वायर जो है वो एज ए x की तरह है, तो ln y r जो है वो तो y है और ये c कांस्टेंट है, माइनस टी नॉट स्क्वायर भी एक कांस्टेंट है, मान लीजिए c 1 है या c डैश है मान लीजिए, और 1 अपॉन टी स्क्वायर जो है वो एज ए x है, तो y इक्वल्स टू c माइनस c डैश x है, इसका स्लोप जो नेगेटिव है ऑब्वियसली नेगेटिव आ रहा है बेटा, और x की वैल्यू जीरो रख दें तो y की वैल्यू c आ रही है, तो ग्राफ जो है वो इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगा बेटा, सेकंड ऑप्शन, ओके। चलिए इसको केवल ऑप्शन से करना था, कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 22, स्पेस बिटवीन टू कोसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडाई ए एंड बी, B is greater than A is filled with a medium of resistivity rho, the resistance between two spheres will be, ठीक है बेटा, तो दो spheres आपको given है, है ना, दो spheres आपको given है, इसमें कलर फिल कर लें, तो ये दो स्फीयर्स आपको गिवन है बेटा, और इनर रेडियस जो है या अंदर वाले स्फीयर की जो रेडियस है वो ए के इक्वल है, और बाहर वाले स्फीयर की रेडियस जो है वो बी के इक्वल है, राइट, और इसके बीच में रो रेजिस्टिविटी का मीडियम आपने फिल कर रखा है, ये रो रेजिस्टिविटी का मीडियम है बेटा, ये इनर रेडियस ए के इक्वल है और ये आउटर रेडियस बी के इक्वल है बेटा, कुछ इस टाइप से ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अच्छा ब्लैंक है, चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ओके। तो हमसे पूछा है कि अंदर वाले स्फीयर और बाहर वाले स्फीयर के बीच में जो रेजिस्टेंस वो कितना है बेटा, इस वाले के बीच में और इस वाले के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें एक शेल बना लेते हैं बेटा, देखो ठीक है, इस शेल की जो रेडियस है वो एक्स के इक्वल कंसीडर करूंगा मैं, ठीक है, रेडियस कितनी है इसकी शेल की एक्स, और एक्स के क्रॉसपॉन्डिंग इसकी जो थिकनेस है वो dx अज्यूम कर लूंगा मैं, राइट। ऐसे कई सारे शेल आप बना सकते हो इसके अंदर, और सारे के सारे जो शेल हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, क्यों, क्योंकि जब भी आप बैटरी कनेक्ट करोगे वो इन दोनों टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करोगे, टर्मिनल ए टर्मिनल बी,
तो करंट जो है वो ए से बी जाएगी, ए से बी जाएगी तो इसका मतलब सभी शेल में से क्रॉस होकर जाएगी, सेम करंट जाएगी इसका मतलब सारे के सारे जो शेल बनेंगे, ऐसे कई सारे शेल मैं अज्यूम कर सकता हूं, सबके सब शेल बेटा सीरीज में कनेक्टेड है। तो मैं क्या करूंगा, इस शेल का सबसे पहले रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा। लेट्स से द रेजिस्टेंस ऑफ दिस शेल इज डी आर, एंड डी आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए वाला फॉर्मूला लगाओगे, रो इज द रेजिस्टिविटी, एल मतलब बेटा इसकी लेंथ, लेंथ कौन सी, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, करंट बेटा डेफिनेटली ऐसे ही जाएगी, तो करंट जो है वो अंदर वाले गोले से बाहर वाले गोले की तरफ, अगर अंदर वाला हाई पोटेंशियल टर्मिनल है तो करंट यूं जाएगी, तो करंट के अलोंग लेंथ हमें लेनी है, तो ये लेंथ कितनी आएगी बेटा डीएक्स आ जाएगी, तो रो डीएक्स अपॉन में रो एल बाय ए ना अपॉन में ए, ए एरिया, एरिया कौन सा लेते हैं करंट के परपेंडिकुलर, करंट डेंसिटी के परपेंडिकुलर, तो एरिया ये वाला लेना है देखो ये वाला, क्योंकि अगर आप बोर्ड से देखो तो करंट के परपेंडिकुलर ही है ना ये सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया कितना आएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, तो डिवाइड में आ जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर। तो ऐसे काफी सारे शेल होंगे, सभी का रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में कनेक्ट करोगे आप, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए आप क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा सीरीज के लिए, तो वन डी आर का इंटीग्रेशन या आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इस तरीके से, तो डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आर आ जाएगा, और इस तरफ अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो रो अपॉन में 4 पाई जो है वो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इनर या लोअर जो लिमिट है वो ए आ जाएगा और अपर लिमिट क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, क्योंकि ए से बी तक जाना है अपन को, ठीक है, तो इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आर इक्वल टू रो अपॉन में 4 पाई एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का -1 अपॉन एक्स, अपर लिमिट इज बी लोअर लिमिट इज ए, माइनस को हटा दो तो अपर लिमिट ए हो जाएगा लोअर लिमिट बी हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन मतलब ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, ये हमारे पास बेटा रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है बेटा, तो यहां से इस डायग्राम को हम छोटा कर दें और यहां से देखिए आप कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, और ऑप्शन बेटा कौन सा हो जाएगा इसमें 3rd, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 23, द रेजिस्टिव नेटवर्क शोन बिलो इज कनेक्टेड टू ए डीसी सोर्स ऑफ 16 वोल्ट, द पावर कंज्यूम्ड बाय द नेटवर्क इज 4 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ आर इज, तो आर की वैल्यू हमसे पूछी है, यहां पर पावर हमें दे रखी है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो 4R एंड 4R दोनों पैरेलल में, तो 2R आ जाएगा जिसकी वैल्यू 2R, देन फिर ये R आ रहा है, 6R एंड 12R का पैरेलल में कितना आ जाएगा 6 × 12 / 6 + 12 मतलब 18, से कट करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी 4 ओम, तो 6 एंड 12 का कितना आ जाएगा 4, और ये R ये भी है, तो फिर ये सारे सीरीज में आ जाएंगे, मतलब 2R एंड R 3R, 3R एंड 4R मतलब 7R, 7R एंड R मतलब 8R, तो टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 8R है और जो EMF है वो 16 वोल्ट, ठीक है, तो पावर कंजप्शन जो है वो 4 वोल्ट के इक्वल है, तो पावर जो है P इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट के बराबर होगा, क्योंकि टोटल पावर कंजप्शन आपसे पूछा है इसमें या दे रखा है आपको, ठीक है, बाय द नेटवर्क, तो P इज इक्वल टू 4 और E जो आपको 16 दे रखा है, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और R इक्विवेलेंट जो कि अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है दैट इज 8R, 8R रख दीजिए आप, हमें बेटा R की वैल्यू फाइंड करनी, तो R इक्वल टू कितना है आप देखो 16 × 16 / 8 और ये 4, इसको कट करना पड़ेगा, तो ये 2 आ गया और बाकी इससे कट कर दीजिए 4, एंड 4 एंड 2 कितना आ जाएगा 8 ओम, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 8 ओम के बराबर आ जाएगी, 4th ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ओके, टू वेरीफाई ओम्स लॉ स्टूडेंट कनेक्ट्स द वोल्टमीटर अक्रॉस द बैटरी एज शोन इन द फिगर, द मेजर्ड वोल्टेज इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ द करंट एंड द फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्टेन, तो आपको एक सर्किट गिवन है, ठीक है, इस सर्किट में एक वोल्टमीटर दे रखा है बेटा और अमीटर गिवन है और एक रियोस्टेट गिवन है, देखिए एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग जो वोल्टमीटर है उसकी रीडिंग आएगी, तो वोल्टमीटर वी और जो करंट जो फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर आई के बीच में ग्राफ आपको दे रखा है, ठीक है, तो ग्राफ आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, तो सबसे पहला इस ग्राफ को ऑब्जर्व करना है और हमें पता लगाना है जो ऑप्शंस में दे रखा है, ईएमएफ की वैल्यू पूछी है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पूछी है आपसे इस बैटरी के लिए, तो वो हमें फाइंड आउट करना है बेटा। तो अगर आप ग्राफ की बात करें तो जब करंट की वैल्यू जीरो है बेटा इस सर्किट में यहाँ पर, तो जब करंट जीरो है तो वोल्टमीटर रीडिंग 1.5 वोल्ट है, तो अगर आपसे कोई कहे कि करंट की वैल्यू जीरो हो सकती है इस सर्किट में, यस हो सकती है, अगर आप रियोस्टेट जो रेजिस्टेंस है अगर वो इन्फिनिटी कर दें तो इसमें सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, और जब सर्किट में करंट ही फ्लो नहीं होगा तो इस बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा वो एग्जैक्टली ईएमएफ के बराबर होगा, राइट, क्योंकि करंट ही नहीं जा रहा है इसके अंदर, तो ईएमएफ की डेफिनेशन यही होती है, ठीक है, जब सर्किट ओपन हो तो वोल्टेज डिफरेंस जो होता है टर्मिनल्स के क्रॉस दैट इज कॉल्ड ईएमएफ,
तो ये वोल्टेज 1.5 दे रहा है। देखो इसका मतलब जो बैटरी आपको दे रखी है, बैटरी का पक्का पक्का ईएमएफ 1.5 वोल्ट के इक्वल होगा। अब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट केस में इसने ये दे रखा है कि करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और ये 1000 मिली एम्पियर पे जा रही है मैक्सिमम करंट। देखिए जब वी नॉट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वी नॉट की वैल्यू जीरो होने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, जीरो हो गया। तो अगर आप इस बैटरी को अगर आप ड्रॉ करें यहां पर, ठीक है, ये आर है बेटा और ये ईएमएफ हमें पता लग चुका है 1.5 वोल्ट है। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी मान लीजिए। अगर ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो हो जाए, मतलब इस लाइन के लिए, तो करंट बेटा इस सर्किट में 1000 मिली एम्पियर है। इसका मतलब इस सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1000 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर मतलब 10^-3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 एम्पियर आ जाएगा ये। तो इसको 1 एम्पियर लिख देता हूं मैं। तो VA माइनस VB शुड बी जीरो। तो VA माइनस VB कितना है, जीरो होना चाहिए, जीरो बराबर 1.5, ठीक है। और करंट जो है वो डेफिनेटली ऐसे ही जाएगा इस सर्किट के अंदर, तो करंट ऐसे जाएगा तो हमें उल्टा जाना पड़ेगा, माइनस I इंटू आर। और I की वैल्यू कितनी बेटा, 1 एम्पियर। तो ये 1 यहां पे रख देंगे आप, तो 1 इंटू आर इज इक्वल टू 1.5। तो R की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1.5 ओम। तो आप देख लीजिए कि 1.5 ओम आना चाहिए और ईएमएफ जो है सेल का 1.5 वोल्ट है, ये आप देख सकते हो बेटा। तो यहां से ये सेकेंड ऑप्शन पूरी तरह से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 25। द करंट आई वन इन एम्पियर फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रेजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट इज। तो ये सर्किट आपको दिख रहा है, यहां पर हमें 1 ओम में करंट फाइंड आउट करनी है, आई वन की वैल्यू बतानी है बेटा, ठीक है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 1 एंड 1 दोनों पैरेलल में आ जाएंगे तो इनका इक्विवेलेंट है बेटा 0.5, पैरेलल में हाफ हो जाएगा 1 एंड 1 का। फिर ये 2 ओम जो रजिस्टर है वो इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। फिर ये 2 ओम जो नेक्स्ट जो 2 ओम रजिस्टर है बेटा, ये इन दोनों के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। फिर यहाँ पर ये बैटरी कनेक्टेड है, एंड देन बैटरी का भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, दैट इज 2 ओम, एंड ईएमएफ ऑफ बैटरी इज 1 वोल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस मेन ब्रांच में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा, ठीक है, आई की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए देखें, 2 एंड 0.5 2.5 हो जाएगा, एंड 2.5 एंड 2 जो कि पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2.5 × 2 / 2.5 + 2 मतलब 4.5, ठीक है। ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 5 से कट कर दो, 5 9, तो ये आ जाएगा 10/9। तो ये पूरे का 10/9 आ रहा है, और 10/9 और ये 2 जो है ये सीरीज में आ जाएंगे, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 10/9 एंड 2 कितना आया, ये आ जाएगा 18 + 10 मतलब 28/9। तो पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 28/9 ओम के इक्वल है, करेक्ट। यहां तक मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो 28/9 अगर इक्विवेलेंट है तो आई की जो वैल्यू आएगी, आई इज इक्वल टू ईएमएफ जो है 1 के इक्वल है बेटा, 1/R इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 28/9 है, तो 9 ऊपर चला जाएगा। तो करंट जो है मेन ब्रांच पे वो 9/28 एम्पियर फ्लो करेगी। ये करंट बेटा फर्दर दो पार्ट के अंदर टूटेगी, एक तो इसमें जाएगी, एक इसमें जाएगी। इस वाले ब्रांच में मान लीजिए करंट I2 जा रही है, तो जो I2 है उसको करंट डिवाइडर रूल की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो। I2 कितना आएगा, देखिए I2 इज इक्वल टू, इस ब्रांच में जो करंट जाएगी ना वो मेन ब्रांच वाली करंट 9/28 × सामने वाला रेजिस्टेंस मतलब 2 ओम, ठीक है, अपॉन में टोटल मतलब 2 + 2 + ऊपर वाला रेजिस्टेंस जो कि कितना था, 2.5 था, 2 + 2.5। तो यहां से आप I2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो बेटा। तो I2 देखो कितना आएगा, 9/28 × 2 अपॉन में 4.5, ठीक है। फर्दर अगर आप इसको देखो तो ये आ जाएगा 4.5, तो ये 2 से कट जाएगा 9, और 2 से इसको कट करो तो ये आ जाएगा 14, राइट, एंड 2 से फिर फर्दर करोगे तो 7। तो ये 1/7 एम्पियर करंट आ रही है, ये वाली करंट। लेकिन ये जो करंट जो कि 0.5 एम्पियर में जा रही है, 0.5 ओम रेजिस्टेंस में जा रही है, तो ये 0.5 जो एक्चुअल में देखा जाए 1 एंड 1 का है, इसका मतलब ये जो करंट है यहाँ पे ये I2 है बेटा, और ये I2 फर्दर जब इन दोनों रेजिस्टर में जाएगी तो इक्वली डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है बेटा। तो I1 जो है वो I2 का भी हाफ हो जाएगा, मतलब 1/7 का भी हाफ, मतलब 1/14 एम्पियर, ठीक है। तो 1/14 एम्पियर इसका बेटा करेक्ट आंसर है, दैट इज थर्ड ऑप्शन, राइट बेटा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ओके
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. इन द गिवन सर्किट डायग्राम ए वायर इज जॉइनिंग बिटवीन पॉइंट्स बी एंड डी. द करंट्स इन दिस वायर इज, इस वायर में आपको इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करनी है. सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ये बी और डी जो है बेटा वो दोनों एक ही सेम पोटेंशियल पर हैं, तो इस सर्किट को आप इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो. देखो यूं ज्वाइन कर दीजिए एंड देन फिर यूं ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है. इस वायर की लेंथ को आप हटा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर्किट के ऊपर. तो ये 20 वोल्ट है, ये 1 ओम है बेटा, ये 4 ओम है, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ठीक है. तो बी एंड डी को मैंने ज्वाइन कर दिया. हालांकि मुझे इसमें करंट फाइंड आउट करनी है, वो अभी हमें अभी अपन देखेंगे. तो मेन लॉजिक क्या लगाऊंगा मैं यहां पर, देखिए ये जो 1 ओम है ना, 1 ओम में करंट फाइंड कर लूंगा, 2 ओम में करंट फाइंड कर लूंगा, और जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस से अपन बी और डी में करंट फाइंड कर सकते हैं. तो उसको फाइंड करने के लिए अपन इस वे से इसको सर्किट को हम ड्रॉ कर चुके हैं. 4 एंड 1 का पैरेलल में अपन को पता है 4 इंटू 1 अपन 4 प्लस 1 मतलब 4 बाई 5 हो जाएगा इसका, 4 बाई 5. 2 एंड 3 का पैरेलल में कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 अपन में 2 प्लस 3 मतलब 6 अपन में 5 हो जाएगा, ठीक है. 6 बाई 5 एंड 4 बाई 5 सीरीज में है, तो 6 बाई 5 प्लस 4 बाई 5 मतलब 10 बाई 5 मतलब 2. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका 2 ओम आ जाएगा. तो 2 ओम में अगर 20 वोल्ट को आपने कनेक्ट किया है, सप्लाई को कनेक्ट किया है, तो करंट कितना आएगा, I इक्वल्स टू डेल्टा V बाय R. डेल्टा V इज अ 20, 20 बाय 2, 20 बाय 2 इज अ 10 एम्पियर. तो इस ब्रांच में बेटा जो करंट जाएगी वो 10 एम्पियर जाएगी. अभी जो 10 है ना, ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी, एक तो इधर और एक इधर. इस वाली ब्रांच में जो करंट जा रही है, 1 ओम में जो करंट जा रही है, वो सपोज I1 है. तो I1 की वैल्यू अगर हमसे पूछे तो I1 बराबर जो मेन ब्रांच वाली जो करंट है बेटा, वो करंट आपको पता लग चुकी है 10 इंटू में. अब I1 जिसमें आपसे पूछे ना करंट, उसके सामने वाला रेजिस्टेंस मतलब 4 अपॉन में 4 प्लस 1 मतलब 5. इसको सॉल्व करोगे बेटा तो 2 इंटू 4 मतलब 8 एम्पियर करंट आ जाएगा. इस वाले रेजिस्टेंस में 8 एम्पियर करंट जा रही है. अब ये जो करंट है ये वापस 10 एम्पियर जो है ये यहाँ दोनों ब्रांच से आएगी एंड वापस इसमें 10 हो जाएगी, ठीक है, ऐड हो जाएगी, 10 हो जाएगी. फिर फर्दर वापस बेटा इस रेजिस्टेंस में हमें करंट फाइंड करनी है. मान लीजिए इसमें I2 फ्लो कर रही है, तो I2 बराबर क्या आएगा, मेन ब्रांच वाली करंट कितनी है 10 इंटू में सामने वाला रेजिस्टेंस कितना है 3 अपॉन में 3 प्लस 2 मतलब 5. इसे कट करोगे तो 2 6 एम्पियर. इसका मतलब इसमें 6 एम्पियर करंट जा रही है. तो यहां से क्लियर हो गया, देखो इसमें तो 8 एम्पियर है और इसमें 6 एम्पियर है. इसका मतलब बी से डी में ही करंट जाएगी, क्योंकि केसीएल अगर आप लगाओगे तो इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट होता है ना. तो 8 इधर जा रहा है, 6 इधर जा रहा है, तो डेफिनेटली इस वाली ब्रांच में बी से डी वाले जो वायर जो करेक्ट है ना, इसमें 2 एम्पियर करंट जाएगी बेटा. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलें. ओके चलिए पढ़िए. द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू बैटरीज बोथ ऑफ सेम ईएमएफ 10 वोल्ट बट डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एंड 5 ओम इज कनेक्टेड टू, ठीक है, टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर 30 ओम एंड आर ओम. चलिए सबसे पहले कनेक्ट करते हैं अपन. दो सेल हैं बेटा, दोनों का ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस आपको दे रखा है एक का 20 ओम है और एक का 5 ओम है इंटरनल रेजिस्टेंस. ये 10 वोल्ट 20 ओम 10 वोल्ट 5 ओम राइट. एंड देन फिर इन दोनों को आपने क्या कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है. देखिए कुछ इस टाइप से 30 ओम एंड आर ओम के साथ, 30 एंड आर, ये कुछ इस टाइप से है ना. द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम इज 0. ये कह रहा है कि इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है बैटरी किसके बीच में, देखो द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम इज 0. ये इस बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 है, तो बताइए आर की वैल्यू कितनी है, ठीक है. तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो हम इस बैटरी से फ्लो होने वाली जो करंट है वो फाइंड कर सकते हैं बेटा. लेट्स से करंट इज आई, तो ये दोनों जो पॉइंट है ना इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 बेटा. मतलब अगर मैं इसको ए कंसीडर करूं, इसको अगर मैं बी कंसीडर करूं, देन आई कैन से वी ए माइनस वी बी 0, ठीक है. और वी ए माइनस वी बी अगर वैसे फाइंड करें तो हाई से लो जाओगे तो 10 प्लस का 10, और करंट ऐसे ही फ्लो करेगी वापस आएगी सेम करंट आई, तो आई माइनस का आई इंटू 20, और ये कितना आ रहा है 0 आ रहा है. तो यहां से आई की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाय 2 एम्पियर. तो इस मेन ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रही है 1 बाई 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है और उसी से ही हमें आर की वैल्यू निकालनी है बेटा. अब वापस हम एक काम करते हैं, सर्किट को रिड्यूस कर देते हैं. रिड्यूस का मतलब
10 एंड 10 का इक्वलेंट कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट आ जाएगा इक्वलेंट ईएमएफ, और 20 एंड 5 का 25 आ जाएगा, 25, ये 20 वोल्ट, ये 25 ओम, देन ये 30 ओम आ गया, और इस तरफ रेजिस्टेंस बेटा जो है वो आर के इक्वल है, और जो करंट यहां से जा रही है दैट इज 1/2 एम्पियर, ठीक है। तो अब इस सर्किट का हमें क्या करना है, इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्वलेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो 30 एंड आर का कितना आ जाएगा, 30 इंटू आर आएगा, 30 इंटू आर अपॉन में 30 प्लस आर, 30 इंटू आर अपॉन में 30 प्लस आर, ये इक्वलेंट रेजिस्टेंस बेटा इन दोनों का आया, और साथ में 25 जो है उसको मुझे ऐड करना है ताकि सीरीज में है ये, तो ये इक्वलेंट रेजिस्टेंस आ गया। और इक्वलेंट रेजिस्टेंस को अगर बेटा मैं करंट से मल्टीप्लाई कर दूं, जो करंट की वैल्यू 1/2 थी, देन फिर वो 20 वोल्ट को शो करेगा ना, आर इक्वलेंट इनटू आई इज इक्वल टू वी ना, तो वी की वैल्यू 20 है, तो यहां से ये 2/2 है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, इसको थोड़ा सिंपली सॉल्व करना पड़ेगा, 30R प्लस इसको 25 इंटू, ठीक है इसको सॉल्व करते हैं, चलिए 30R प्लस 25 इंटू 30 750 प्लस, ठीक है, एंड देन 25R और डिवाइड में क्या है, ये 2 भी है तो इस तरफ 40 आ जाएगा, और 40 इंटू 30 प्लस आर आ जाएगा इधर, इसको सॉल्व करो तो 30R प्लस 25R, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 55R प्लस 750 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो 1200 आएगा प्लस 40R, ठीक है, 50R माइनस 40R वापस अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 15R, और 750 है इस तरफ और इस तरफ 1200 है, तो ये कितना बचेगा, ये 05 एंड देन ये आ जाएगा 450, राइट, देन आर इज इक्वल टू 450 अपॉन में 15, तो ये आ जाएगा 30 ओम, तो आर की वैल्यू यहां से कितनी आई, 30 ओम की इक्वल आई, थोड़ा कैलकुलेशन थी हल्की सी, बाकी कुछ ज्यादा नहीं था, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आइए बेटा, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ टू स्क्वायर प्लेट्स ऑफ साइड ए सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी वेरिएबल लेस देन ए, द लोअर ट्रायंगुलर पोर्शन इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एज शोन इन द फिगर, द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज, तो हमें कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है यहां पर, ठीक है, तो यहां पर डायलेक्ट्रिक मीडियम हमें दे रखा है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है, कैपिटल के इक्वल है, और ये गैप जो है दोनों प्लेट्स के बीच का डी है, राइट, और हमें यहां पर ऑप्शंस दे रखे हैं कुछ, इसको डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी कर सकते हो अगर चाहो तो, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि स्क्वायर प्लेट्स हैं तो जो एरिया आएगा प्लेट का वो तो ए स्क्वायर के इक्वल होगा, और गैप कितना है, डी है, अगर यहां पे एयर होता, मतलब ये डायलेक्ट्रिक मीडियम जो आपको दे रखा है इसकी के की वैल्यू 1 कर दें, 1 किसके लिए होती है, एयर के लिए होती है, अगर 1 कर दें तो कैपेसिटेंस जो है वो कितना आना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी वाला फॉर्मूला यही तो लगेगा अगर एयर है तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए और ए आ जाएगा ए स्क्वायर बाय डी, ये आना चाहिए इफ के इज इक्वल टू 1, तो क्या ये मैच कर रहा है कहीं पे भी, देखिए अगर यहां एलन में के रख दूं तो ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, ये गड़बड़ हो जाएगा, यहां पर के की वैल्यू 1 रख दें और 1 प्लस 1 नीचे 2 है तो 2 इंटू 2 4D हो जाएगा नीचे और ऊपर 1 है तो ये भी मैच नहीं कर रहा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, देखो ये भी इनकरेक्ट, थर्ड में देखो के की वैल्यू 1 नीचे भी के माइनस 1 माइनस 1 0 और ऊपर ln k मतलब 1 ये भी 0 तो ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, इसका मतलब ये वैल्यू आ सकती है, मतलब 0/0 को जो है वो 1 के इक्वल आ सकता है, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है यहां पर, संभावना पूरी है। फोर्थ देखिए k की वैल्यू 1 रख दें तो एप्सिलॉन a स्क्वायर बाय 2d तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, देखो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सीधे सीधे गलत हो गए है ना, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा डायरेक्ट आप थर्ड ऑप्शन टिक कर सकते हो चाहो तो, करेक्ट बेटा, लेकिन देखते हैं अपन अब इसको सॉल्व करने का एक्चुअल वे क्या है। देखिए यहां पे आपको क्या करना है बेटा, आप इस कैपेसिटर की जो दोनों प्लेट्स आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, इसमें मैंने एक छोटा सा एक एलिमेंट लिया, देखिए एक छोटा सा कैपेसिटर आपको नजर आ रहा होगा, इसकी छोटी छोटी प्लेट्स हैं, ठीक है, और यहां से मैंने डिस्टेंस कंसीडर कर ली, ये वाली एक्स, एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग इस कैपेसिटर की जो प्लेट्स है ना उसकी जो लेंथ है वो dx के इक्वल है, और ये कैपेसिटर भी दो कैपेसिटर से मिलकर बनाए जिसमें कुछ पार्ट में तो एयर है और कुछ पार्ट में डायलेक्ट्रिक मीडियम है।
अगर मैं ये वाले डिस्टेंस y अज्यूम कर लूं, ये वाली आपको दिख रही होगी y, तो ये लेंथ डेफिनेटली y माइनस या d माइनस y के इक्वल होगी. सो दिस लेंथ इज d माइनस y, दिस लेंथ इज y, दिस लेंथ इज d माइनस y. तो y लेंथ वाला जो पार्ट है ना, इसके अंदर आपने डायलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है, और d माइनस y लेंथ वाले पार्ट के अंदर एयर है केवल, या आप कह सकते हो वैक्यूम है. करेक्ट. y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x अपन फाइंड कर सकते हैं इजीली, क्योंकि आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा. इस ट्रायंगल में अगर मैं पूछूं आपसे, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब d बाय a के इक्वल होगा tan थीटा. और इस छोटे वाले ट्रायंगल में tan थीटा y बाय x के इक्वल आएगा बेटा. तो यहां से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x कितनी आई, d अपॉन में a इंटू x. तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आप इस वे से रख सकते हो. तो अब बेटा यहाँ पे दो कैपेसिटर हैं, तो जो एयर वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, इस एयर वाले पार्ट का कैपेसिटेंस अगर मैं देखूं तो वो कितना आएगा, उस कैपेसिटेंस को मैं C1 लिख देता हूं. ठीक है, हालांकि वैल्यू काफी छोटी है इसकी, लेकिन फिर भी मैंने इसको C1 लिखा है अभी. तो C1 कितना आएगा, C1 आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू में एरिया, एरिया आएगा बेटा प्लेट का. देखो ये तो आ गई लेंथ दैट इज dx, और जो विड्थ है वो भी a के इक्वल है, तो वो कितनी आ जाएगी a इनटू dx, तो एरिया आ गया इनटू dx, राइट, अपॉन में गैप, गैप कितना आएगा d माइनस y. तो ये इसका कैपेसिटेंस आ गया इतने का, और y की जो वैल्यू है वो d बाय a इंटू x है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है. तो y की वैल्यू d बाय a इंटू x मैं इसमें रख सकता हूं, मैं बाद में रखूंगा उसकी वैल्यू. अब मैं इस वाले पार्ट की बात करूंगा, इसका जो कैपेसिटेंस c2 है, और c2 कितना आएगा, देखो एप्सिलॉन नॉट a इंटू में अगेन dx, इसमें भी कोई इशू नहीं है, बट डायरेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट k है ना इसका, इस मीडियम का, तो k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अपॉन में जो गैप है बेटा वो y के इक्वल है. तो ये हमारे पास C2 की वैल्यू आ चुकी है. अब ये C1 और C2 जो है वो दोनों सीरीज के अंदर कनेक्टेड हैं. अगर आप बोर्ड से देखो तो ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं. तो सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस जो आएगा उसको मैं DC लिखूंगा. सो आई कैन से 1 अपॉन DC इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2. तो इसका रेसिप्रोकल लोगे बेटा तो कितना आएगा, ये पार्ट जो है वो ऊपर चला जाएगा D माइनस Y अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A DX प्लस में, यहां पे देखिए ये y आ जाएगा, और इधर तरफ इधर की तरफ कितना आएगा, k epsilon नॉट a dx. ठीक है, तो इसको अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा. तो यहां से इस पार्ट को बेटा मैं रिमूव कर देता हूं. तो यहां से आप लिख सकते हो 1 अपॉन dc इज इक्वल टू, यहां LCM आ जाएगा k epsilon नॉट a dx, और epsilon नॉट a dx, तो यहां से k से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, k d माइनस के वाई और प्लस में y. तो ये इस टाइप से वैल्यू आ चुकी है हमारे पास. एंड y की वैल्यू फर्दर मैं रखूंगा, y की वैल्यू चलो बाद में रखेंगे अपन. तो x जो था वो यहां से मैंने लिया था, तो x को मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 टू a तक इंटीग्रेट करेंगे, ताकि पूरे कैपेसिटर के लिए वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी. चलिए देखिए एक बार. तो ये जो dc है वो बेटा इसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मैंने यहां पे लिखा है. तो dc की वैल्यू फाइनली कितनी है, देखिए k epsilon नॉट a into dx अपॉन में ये k into d, एंड यहां माइनस आ जाएगा, यहां से देखिए k माइनस वन आ गया ना, k माइनस वन, ठीक है, इंटू में y, और y की वैल्यू आपके पास है d अपॉन में a x. ठीक है, ये d x वैसा वाला नहीं है, ये d इंटू में x अपॉन में a है. ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है यहां पर. तो ये मैं यहां से रब कर देता हूं, तो ये कैपेसिटेंस आ गया. अब बेटा ऐसे कई सारे कैपेसिटेंस होंगे. अब ये सारे के सारे कैपेसिटेंस हुए हैं, वो सब के सब पैरेलल में कनेक्टेड है. देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सी वन प्लस सी टू, मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी तो टोटल कैपेसिटेंस आएगा आपके पास. तो अब आप इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे. कहां से कहां तक लिमिट लगाओगे, जीरो टू ए तक, जीरो टू ए तक बेटा आपको इसको लिमिट लगानी है. अगर आप लिमिट लगाओगे यहां से सॉल्व करोगे तो देखिए किस तरीके से वैल्यू आएगी. देखो k epsilon नॉट a, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा. ठीक है, बाकी सब जो क्वांटिटी आपको नजर आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको इंटीग्रेट करना है. तो यहां से इंटीग्रेशन क्लियरली नजर आ रहा है अपन को कि ln, ठीक है, ln यहां पर आ जाएगा kd माइनस k माइनस वन d बाय a इंटू x के इक्वल आएगा. लिमिट भी लगेगी हमें, हमें लगानी पड़ेगी लिमिट 0 टू a तक. और जो कोफिशियंट है माइनस के माइनस वन इंटू डी बाई ए, इसका डिवीजन हो जाएगा, मतलब माइनस के माइनस वन इंटू डी बाई ए.
ये वैल्यू आ गई बेटा। अब इसमें लिमिट लगाओगे आप, एक्स की वैल्यू ए रख दोगे पहले तो, ठीक है, तो ये वैल्यू देखो कितनी आएगी, माइनस का के एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन में के माइनस वन इंटू डी। अब इसमें लिमिट रखोगे आप तो लोग ये ए रखोगे तो ए से कट जाएगा ये, है ना, तो एल एन ब्रैकेट में एल एन ये आ जाएगा के डी माइनस, ये से कट जाएगा ये माइनस का के डी एंड माइनस माइनस प्लस डी, ये तो अपर लिमिट रख दी। और लोअर लिमिट रखोगे आप तो जीरो रखोगे तो पूरा जीरो जाएगा, तो केवल के डी बचेगा यहाँ पर, ठीक है, केवल और केवल के डी बचेगा। ये के डी से बेटा के डी कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, राइट, यहाँ से लॉग एल एन डी आ गया केवल एल एन डी, और माइनस को चाहो तो ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो एल एन डी और ये तो माइनस का हो जाएगा एल एन डी, और ये प्लस का ये एल एन के अंदर आएगा, राइट, एल एन एल एन के डी, तो एल एन के डी ये प्लस का हो जाएगा और एल एन डी ये नेगेटिव का हो जाएगा अगर माइनस को अंदर आप ले जाते हो, तो एल एन जो एल लॉग जो के डी है, लॉग के डी माइनस लॉग डी मतलब लॉग एम बाय एन, तो डी से डी कट जाएगा, लॉग के आ जाएगा केवल यहाँ पर, राइट, यहाँ पर लॉग के और मल्टीप्लाई में के एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन में के माइनस वन डी, माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो बेटा तो यहाँ से क्लियरली नजर आ रहा है आपको कि जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन इतना करने का, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि जेईई मेंस ने आपको पहले से ही ऑप्शंस ऐसे बना के दिए हैं कि अगर आप डायरेक्ट सोचो तो बहुत फटाफट इस क्वेश्चन को कर सकते हो बेटा, विद इन वन सेकेंड, राइट, बहुत जल्दी से कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटी इज ऑफ एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ए सेपरेशन 3 mm, द गैप इज फिल्ड विद 3 डायलैक्ट्रिक मटेरियल्स ऑफ इक्वल थिकनेस, सी फिगर, विद डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के वन इक्वल टू 10, के टू इक्वल टू 12 एंड के थ्री इक्वल टू 14। तो अलग अलग आपको दे रखा है, द डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मेटेरियल विच वैन फुली इंसर्टेड इन अबव कैपेसिटर गिव्स द सेम कैपेसिटेंस वुड बी, ठीक है। तो हमें इफेक्टिव डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, इफेक्टिव वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं अपन, तो इफेक्टिव का मतलब ये है कि जो काम ये कर रहा है ना अकेला वो कैपेसिटर काम कर दे, मतलब इसके इक्वलेंट अगर मैं यहाँ पर एक मीडियम फिल कर दूँ बेटा के इक्वलेंट का, ठीक है, जो पैरेलल प्लेट का जो एरिया है पूरा वो ए है, मतलब ए की वैल्यू हमें दे रखी है 6 cm², सेपरेशन भी गिवन है इवन, और बराबर बराबर तीन पार्ट के अंदर आपने इसको तोड़ा है, ठीक है। तो इसका एरिया a/3, इसका भी a/3, इसका a/3 और गैप जो है वो डी के इक्वल है बेटा, तो इसका कंप्लीट एरिया ए आएगा और के इक्वलेंट आएगा, मतलब कैपेसिटेंस दोनों केस में सेम आएगा। अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ बेटा तो इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा, सी1 मान लूँ तो c1 की वैल्यू कितनी आएगी, k1 एप्सिलॉन नॉट एरिया a/3 और गैप कितना है डी, इस वाले का भी k2 एप्सिलॉन नॉट a/3d, इसका k3 एप्सिलॉन नॉट a/3d, और तीनों के तीनों बेटा पैरेलल के अंदर है, इसका मतलब ये सब का सम हो जाएगा, मतलब k2 एप्सिलॉन नॉट a/3d प्लस k3 एप्सिलॉन नॉट a/3d, ये इक्विवेलेंट आ गया इस पूरी असेंबली का, और जो कि इसके इक्वल होना चाहिए, इसके कैपेसिटेंस के इक्वल होना चाहिए, मतलब के इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट a/d, ए गैप मतलब एरिया है और डी गैप है बेटा, तो एप्सिलॉन नॉट a/d कट जाएगा, देखो एप्सिलॉन नॉट a/d, एप्सिलॉन नॉट a/d, एप्सिलॉन नॉट a/d, तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, k1 plus k2 plus k3 by 3, तो मतलब तीनों का सम करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, इसका मतलब के इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो 10 plus 12 plus 14 by 3, यहां से इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा बेटा, देखो 4 into 6, ठीक है, एंड 0 देन 1 plus 1 plus 1 मतलब 3, 36 by 3 इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 12, देन करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 12 पिकोफैरड इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी टू ए पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट बिटवीन इट्स प्लेट्स, द चार्जिंग बैटरी इज नाउ डिसकनेक्टेड एंड ए पोर्सिलिन स्लैब ऑफ डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट 6.5 इज स्लिप्ड बिटवीन द प्लेट्स, द वर्क डन बाय द कैपेसिटर ऑन द स्लैब इज, इस कैपेसिटर ने कितना वर्क किया स्लैब के ऊपर, कितना वर्क किया वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक चीज देखिए आप, आपने 12 पिकोफेरेड का जो कैपेसिटर था उसको 10 वोल्ट से आपने चार्ज कर दिया है ना, तो बेटा चार्ज करने के बाद इस कैपेसिटर पे जो एनर्जी है वो हम फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली। एनर्जी कितनी आएगी, हाफ सी वी स्क्वायर, वी जो था इनिशियल वो था, एंड चार्ज कितना आएगा कैपेसिटर पर, क्यू बराबर सी वी, ठीक है। तो ये कैपेसिटर था, इस कैपेसिटर पे एनर्जी कितनी है वो है हमारे पास, और कैपेसिटर प्लेस पे चार्ज कितना वो भी है हमारे पास।
ठीक है, तो एनर्जी आ गई इनिशियल। अब आपने क्या किया, डायलेक्ट्रिक स्लैब को इसके अंदर इंसर्ट किया, तो ये स्लैब को खींच गया पूरे को, और स्लैब जब अंदर आ जाएगी, ठीक है, तो चार्ज पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा, और कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम्स हो जाएगा सी, चार्ज एज इट इज वही का वही रहेगा। इसका मतलब अब जो एनर्जी है सिस्टम की वो कितनी होगी, अब एनर्जी अगर फाइंड आउट की जाए तो यू एफ इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी वाला फॉर्मूला लगाइए आप, क्यू तो सेम ही है बेटा, क्यू स्क्वायर बाई टू इंटू सी, बट सी यहां पर क्या है, के टाइम सी हो जाएगा। तो फाइनल केस में जो एनर्जी है कैपेसिटर की, क्यू स्क्वायर बाई टू के सी आएगा, और क्यू की वैल्यू सी भी है बेटा, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में टू के सी, और यहां से आप सॉरी के तो एज इट इज रहेगा, सी से सी कट जाएगा, और वैल्यू कितनी आ गई, वन बाय टू के सी वी स्क्वायर। तो अब जो एनर्जी है वो कम हो चुकी है, तो एनर्जी का जो डिफरेंस आया ना वही वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। इज दैट क्लियर? तो वर्क डन एक्चुअली में देखा जाए डिफरेंस को शो करेगा, और डिफरेंस देखा जाए इनिशियल माइनस फाइनल, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव जो फोर्स होता है ना, दैट इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो यू इनिशियल बेटा हाफ सीवी स्क्वायर, और यू फाइनल जो है हाफ सीवी स्क्वायर बाय के है, तो डिफरेंस जो है वही वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा, और वर्क डन कितना आएगा, इसमें से वो वाला सबट्रैक्ट करोगे बेटा तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी हाफ सीवी स्क्वायर ब्रैकेट में वन माइनस वन अपॉन के, है ना। इस वे से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर जो आंसर है वो पीको जूल में दे रखा है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो पीको में रहने देना, तो हाफ सी की वैल्यू है 12 पीको फैरेड, पीको में रहने दो, वी की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय के, एंड हियर के इज 6.5 राइट, 1 अपॉन में 6.5, इसको सॉल्व करेंगे बेटा अपन, तो यहां से ये 6 आ जाएगा, 600 इंटू ये 6.5 माइनस 1 आ जाएगा 5.5 अपॉन में 6.5, ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये तो 11 आ गया, 5 से कट करो, ये आ जाएगा 13 राइट, 11 बाय 13 जो है ऑलमोस्ट 1 के बराबर ही है, लेकिन 1 से लेस है, ज्यादा कम तो नहीं होगा, लेकिन 600 से वैल्यू कम नहीं आएगी, ठीक है, हल्की सी कम आएगी, तो आई थिंक आंसर क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट जो है वो 560 पीको जूल के अराउंड आ जाएगी वैल्यू बेटा, ठीक है। तो 31 जो है, क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है वो आ जाएगा 11 बाय 13 है, तो सॉल्व करें तो कितना आएगा, 600 बाय 13 ओके, 5 आ जाएगा, फिर देन 508 के राउंड ही आएगी, सही बात है, तो ऑप्शन इसका थर्ड ही करेक्ट होगा, ठीक है, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, चलिए कोई नहीं। तो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच तो आप सीख गए, इनिशियल एनर्जी निकाल ली, फाइनल एनर्जी निकाल ली, और वर्क डन फाइंड करना था, सिंपली यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कर लिया बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। इन द फिगर शोन बिलो द चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ द 10 माइक्रो फेरेड कैपेसिटी इज -30 माइक्रो कूलम। लेफ्ट प्लेट पे जो चार्ज है ना, ये आपको गिवन है 30 माइक्रो कूलम, वो भी नेगेटिव का, इसको राइट प्लेट पर जो है प्लस का 30 माइक्रो कूलम होगा। द चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ द 6 माइक्रो फेरेड कैपेसिटी, तो ये कह रहा है कि इस 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर की राइट प्लेट पर चार्ज क्या होगा। तो पहले तो ये डिसाइड करो कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, क्योंकि देखो इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव, ठीक है, उसी सेम ऑर्डर में इस तरफ भी वैसे ही आएगा चार्ज, सॉरी इस तरफ नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव लेफ्ट साइड में, तो इसमें भी सेम इस तरफ नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव, इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव, यहां नेगेटिव पॉजिटिव, इस पैटर्न में चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हाई पोटेंशियल ये वाला टर्मिनल होगा तभी तो इस तरफ चार्ज आएगा, यूं पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से। तो 6 माइक्रोफेरेड की राइट साइड वाली प्लेट पर चार्ज डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, कितना आएगा उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो ये 30 माइक्रो कूलम जो बेटा यही डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखो यहां से चार्ज आएगा यहां से चार्ज आएगा, और दोनों चार्ज का सम होकर के इस पे 30 आया, 30 माइक्रो कूलम आया राइट। तो अब मुझे इस पर चार्ज फाइंड करना है, एक्चुअली देखा जाए तो इस पे चार्ज अगर फाइंड करना है तो इसमें भी चार्ज डिवाइडिंग रूल आप अप्लाई कर सकते हो, और बहुत ही इजी है। टोटल जो चार्ज है इन दोनों कैपेसिटीज जो चार्ज का सम होकर के इसमें जाएगा, दैट इज 30 माइक्रो कूलम, तो 30 लिखो सबसे पहले इनटू में। अब 6 पे आपको चार्ज फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, 6 का ही कैपेसिटेंस यहां पर रखना, 6 अपॉन में 6 प्लस 4 कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। सॉल्व करोगे तो 6 इंटू 3 मतलब 18 माइक्रो कूलम, वो भी प्लस का। राइट साइड वाली प्लेट पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और लेफ्ट साइड वाली प्लेट पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 18 माइक्रो कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें।
33, 7 capacitors, each of capacitance 2 microfarad are to be connected in a configuration to obtain an effective capacitance 6 by 13 microfarad. Which of the combinations on the figure below will achieve the desired value? So 6 by 13 जो है वो microfarad capacitance आना चाहिए, अगर individual capacitor का capacitance 2 microfarad है, तो ये तो बेटा आप simply options के हिसाब से solve करना पड़ेगा, तो इसमें कुछ भी randomly देखा जाए, तो इसका answer जो है बेटा वो 4th है, ठीक है, तो अपन डायरेक्ट इससे ही देख लें, बाकी तो बेटा सिंपल कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो 2 2 2, तो 2 2 2 का पैरेलल में अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा, 2 का 3 टाइम्स मतलब 6 माइक्रोफेरेड, यहाँ पर 2 2 2 2 देखा जाए तो 2/4 हो जाएगा, क्योंकि सीरीज के अंदर 2/4 कितना आएगा, 2/4 हो जाएगा 1/2, तो इसका 1/2 आ गया, इस वाले पार्ट का 1/2, राइट, 1/2 एंड 6 सीरीज में आएंगे अगेन, तो अगेन लगा दो सीरीज के लिए, 6 इंटू 1/2 अपॉन में 6 प्लस 1/2, राइट, इसको सॉल्व करोगे बेटा आप, तो ये तो 6/2 आ गया, और डिवाइड में कितना आएगा, 6 इंटू 12 प्लस 1 मतलब 13/2, इसे कट करोगे तो 6/13 माइक्रोफेरेड फोर्थ ऑप्शन के अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है, बाकी बेटा ये क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व करना आपको, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, इन द फिगर शोन आफ्टर द स्विच एस इज टर्न्ड फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी द एनर्जी डिसिपेटेड इन द सर्किट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड टोटल चार्ज क्यू इज, ठीक है, तो कैपेसिटर पर, अच्छा जब ये ए से कनेक्टेड है तो कैपेसिटर पे चार्ज जो है वो क्यू के इक्वल है बेटा, राइट, चार्ज क्यू के इक्वल है, तो जो वोल्टेज जो ई है उस ई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्यू आप फाइंड कर सकते हो इजीली, अभी जैसे देखा जाए इस पे चार्ज क्यू है तो क्यू इज इक्वल टू सी ई होना चाहिए, यहां से ई की जो पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर के क्रॉस दैट इज क्यू बाई सी, ये आ गया है ना, और ये वाला कैपेसिटर चार्ज है ही नहीं, जब आप बेटा इसको इससे कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो ये C है, ये 3C है, इसके क्रॉस EMF कितना था या वोल्टेज कितना था, पहले E था ना, अब डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, और इसके क्रॉस कितना था, जीरो था, कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, तो जो एनर्जी जो डिसिपेट होती है हीट के फॉर्म में, उस एनर्जी की वैल्यू होती है C1C2 अपॉन में 2C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये सिंपल सा रिलेशन होता है, राइट, ठीक है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा ये, C1, C2 की वैल्यू C एंड 3C है बेटा, तो ये 3C इंटू C मतलब 3C स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड में 2 इंटू C1 प्लस C2 मतलब 3C प्लस C, 4C आ गया, और V1 माइनस V2 मतलब E माइनस 0 का स्क्वायर मतलब E स्क्वायर आ गया, और यहां देखो जरा C इंटू E जो है वो Q को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब CE का होल स्क्वायर जो वो Q स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, दैट मींस 3Q स्क्वायर बाय 8C, इतनी एनर्जी बेटा हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी, और यहां पर हमें मिल रहा है जी थर्ड ऑप्शन, ठीक है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, इन द सर्किट शोन फाइंड सी इफ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द होल सर्किट इज टू बी 0.5 माइक्रोफेरेड, ऑल द वैल्यूज इन द ऑफ द सर्किट ऑल द वैल्यूज इन द सर्किट आर इन माइक्रोफेरेड, तो ये सिंपल सा सर्किट आपको दे रखा है और इफेक्टिव कैपेसिटेंस 0.5 माइक्रोफेरेड, बताइए सी की वैल्यू कितनी है, है ना, तो ये जो 2 1 2 2 2 2 2 दे रखा है ये माइक्रोफेरेड के अंदर है और ये सी की वैल्यू हमसे पूछी है यहां पर, तो बेटा ये जो 2 एंड 2 है ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में 2 एंड 2 का कितना आ जाएगा 1, 1 एंड 1 का फिर ये 1 और ये 1, ये वाला 1, ये दोनों जुड़ करके पैरेलल में कितना आ जाएगा वापस 2 आ जाएगा, 2 एंड 2 वापस सीरीज में आकर के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये तो इस पूरे इतने नेटवर्क का कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड है, सिमिलरली यहां देखो 2 एंड 2 का पैरेलल के अंदर 4 आ गया, 4 एंड 2 जो है वो सीरीज में है, तो 4 एंड 2 सीरीज में, तो 4 एंड 2 का सीरीज में कितना आएगा 4 इंटू 2 ओपन में 4 प्लस 2 मतलब 4 इंटू 2 मतलब 8, 8 बाय 6, 8 बाय 6 आ गया इसका, इसको कट करो 3 ये 4, तो ये 4 बाय 3 आ जाएगा इसका, तो ये 4 बाय 3 आ गया और इसका 1 है, पूरे का 1 है, 1 एंड 4 बाय 3 जो है वो पैरेलल के अंदर है, तो इनका एडिशन आ जाएगा 4 बाय 3 प्लस 1 ऐड हो जाएंगे ये दोनों, तो कितना आएगा 7 बाय 3, तो इस पूरे असेंबली का यहां से यहां तक 7 बाय 3 माइक्रोफेरेड है, और 7 बाय 3 के साथ सी जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है और इक्विवेलेंट 0.5 के इक्वल आ रहा है, तो अगर सी सीरीज में कनेक्टेड दैट मींस 7 बाय 3 इंटू सी, राइट, या इसको सिंपली अपन फॉर्मूला में रख देते हैं, अपन देखो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट कितना 0.5 है, इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 7 बाय 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/7 प्लस 1 अपॉन ये कितना है C सीरीज में है तो 1 अपॉन C, ठीक है, यहां से आप इसको
ऊपर ले जाइए, सॉल्व करेंगे तो 10 बाय 5 माइनस 3 बाय 7 इज इक्वल टू 1 बाय सी। एलसीएम आ जाएगा बेटा 35 का 770 माइनस 15 राइट इज इक्वल टू 1 बाय सी। तो सी की वैल्यू कितनी आई 35 अपॉन में ये वैल्यू हो जाएगी 5 एंड 5 माइनस 1 मतलब 4 सही है, नहीं 6 माइनस 1 5 आ जाएगा ये, तो 55 ठीक है 35 बाय 55 इसको कट करोगे तो ये 7 आ गया और ये 11 आ जाएगा। तो 7 बाय 11 माइक्रो यस आ रहा है ना सेकंड ऑप्शन, तो 7 बाय 11 माइक्रो फेरेड इसका आंसर आ जाएगा बेटा, सी की वैल्यू आ जाएगी 7 बाय 11 ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, सिंपल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आए हुए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटी विद प्लेट्स ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर ईच आर एट ए सेपरेशन ऑफ 0.1 मीटर, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज 100 न्यूटन पर कूलम द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट इज, आपको एरिया गिवन है ठीक है, आपको गैप गिवन है बेटा और हमसे पूछा है चार्ज कितना है कैपेसिटर पर। कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपन को गिवन है और अगर लेंथ भी गिवन है, सेपरेशन गिवन है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस तो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। V इज इक्वल टू E इंटू डी, E की वैल्यू 100 है और D की वैल्यू बेटा 0.1 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा 10 वोल्ट। जब वोल्टेज 10 है तो चार्ज की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है, क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट सॉरी क्यू इज इक्वल टू सी वी, सिंपली सी इंटू वी, क्यू इज इक्वल टू सी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के इक्वल होगा और वी बेटा पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां से इसकी वैल्यू आप रख करके फाइंड कर सकते हो। देन क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें दे रखी है प्रश्न में 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12, एरिया आपको गिवन है 1 मीटर स्क्वायर 1 आ गया और डी जो है प्लेट सेपरेशन बेटा 0.1 है और इंटू में ए इंटू में बी सॉरी वी की वैल्यू है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, ये 100 और ये 10 टू द पावर माइनस 12 10 टू द पावर माइनस 10 बचेगा और 8.85 भी है इवन, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा थर्ड ऑप्शन ठीक है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 37, द चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट इन ए सर्किट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन द फिगर, तो कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो आप और टाइम के साथ चार्ज जो है वो इस रेट से कुछ ना कुछ वैरी कर रहा है, तो इनिशियली अगर आप देखो तो चार्ज देखो लीनियरली वैरी कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है एंड देन फिर चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब यहां पे चार्जिंग नहीं हो रही कैपेसिटर की, फिर वापस चार्जिंग स्टार्ट हो गई। पूछा क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एट टी इक्वल्स टू 4 सेकंड, 4 सेकंड पे आपसे करंट की वैल्यू पूछिए बेटा। अगर आप 4 सेकंड पे यहां पे आएंगे ये देखिए, ये इस पॉइंट पर देखा जाए तो कैपेसिटर में चार्ज में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा और करंट जो होता है आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है बेटा, डी क्यू बाई डी टी, तो रेट ऑफ जो चार्ज है वो यहां पे 0 है, इसका मतलब करंट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 0 सिंपल, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सेकंड हो जाएगा ठीक है। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, 38 पे आइए, वोल्टेज रेटिंग ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 500 वोल्ट, इट्स डाइलेक्ट्रिक कैन विदस्टैंड ए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर, द प्लेट एरिया इज दिस, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इफ द कैपेसिटेंस इज 15 पिको फैराड। ओके एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको गिवन है, कैपेसिटेंस की वैल्यू भी आपको दे रखी है, हमसे केवल ये पूछा है इट्स डायलेक्ट्रिक कैन विदस्टैंड ए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ये झेल सकता है ना, और वोल्टेज रेटिंग जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो 500 वोल्ट है, व्हाट इज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इफ द कैपेसिटेंस इज 15 पिको फैराड, प्लेट एरिया आपको गिवन है, डिस्टेंस वगैरह गिवन नहीं है लेकिन डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। बेटा देखो दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम जो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इतनी है, इतना हो सकता है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको गिवन है बेटा, कितना है 500 वोल्ट और इसके बीच मीडियम है कोई इश्यू नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना है ई और ई की वैल्यू हम जानते हैं इजिली, ई बराबर वी बाई डी हो जाएगा, तो वहां से E को मैं लिख दूंगा V by D या D की वैल्यू V by E लिखा जा सकता है, तो V की वैल्यू बेटा कितनी है 500 और E की जो वैल्यू है वो 10 टू द पावर 6 है, तो गैप बिटवीन द प्लेट्स हमारे पास आ जाएगा 500 या इसको आप कट कर सकते हो चाहो तो डबल जीरो को, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर आ जाएगा गैप बिटवीन द प्लेट्स ठीक है। तो E और V की हेल्प से
हमारे पास गैप आ गया दोनों प्लेट्स के बीच का। अब हमसे क्या पूछा, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू पूछिए इफ कैपेसिटेंस 15 पिकोफेरेड। तो कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी के इक्वल होगा। यहां से बेटा सी की वैल्यू 15 पिकोफेरेड है, 15 पिकोफेरेड मतलब 10 टू द पावर माइनस 12, ठीक है, पिकोफेरेड। के की वैल्यू हमसे पूछी है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बेटा 8.86 इनटू 10 टू द पावर माइनस 12 है, ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। एरिया आपको दे रखा है 10 टू द पावर माइनस 4 रख देंगे हम यहां पर, और डी जो कि गैप आया हमारे पास 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो 10 टू द पावर माइनस 4 से 10 टू द पावर माइनस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर 10 टू द पावर माइनस 12 से 10 टू द पावर माइनस 12 कैंसिल आउट हो गया। और अगर आपको के की वैल्यू फाइंड करनी बेटा, तो के यहां से हमारे पास देखो कितना आएगा, के इज इक्वल टू 15 इंटू 5 अपॉन में 8.86, ठीक है। तो 15 इंटू 5 अपॉन में 8.86 अगर हम इसको सॉल्व करें, 75/8.86 है। इसको ऑलमोस्ट अगर 9 भी माने, ठीक है, 9 भी अगर मैं अज्यूम करूं, तो ये 8 पॉइंट समथिंग जा रहा है, राइट, ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 8.5 के अराउंड आएगी वैल्यू इसकी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट ऑप्शन जो है बेटा वो जा रहा है 8.5, ठीक है। बाकी आप कैलकुलेशन आप सिंपली कर सकते हो। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस, वन ऑफ इट्स टू प्लेट्स इज गिवन 2 माइक्रोकूलम चार्ज एंड द अदर प्लेट प्लस 4 माइक्रोकूलम चार्ज, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द कैपेसिटर इज, ठीक है। देखिए आपको बेटा कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पे चार्ज गिवन है, ठीक है, एक प्लेट पे चार्ज है 2 माइक्रोकूलम और दूसरी प्लेट पे टोटल चार्ज जो है वो 4 माइक्रोकूलम है ना, एक पे 2 माइक्रोकूलम और दूसरे वाले पे 4 माइक्रोकूलम चार्ज, और कैपेसिटेंस आपको दे रखा है और पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। देखो कैपेसिटेंस के लिए जो भी आप फॉर्मूला लगाते हो, क्यू इक्वल टू सी इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, एंड जो क्यू जो होता है ना बेटा चार्ज, वो प्लेट्स के इनर सर्फेस वाला चार्ज होता है, अंदर वाला। तो हमें 2 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम की हेल्प से ये पता लगाना है कि अंदर वाली सरफेस पे चार्ज कितना आएगा, उसी से आप सॉल्व करोगे बेटा। तो ये प्लेट प्रॉब्लम है और काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आप अज्यूम कर लीजिए यहां पे चार्ज क्यू है, तो अगर इस पे टोटल चार्ज 2 माइक्रोकूलम या 2 है सिंपली, तो अगर यहां पे क्यू लूंगा तो रिमेनिंग जो चार्ज है दैट इज 2 माइनस क्यू, ये 2 माइनस क्यू आएगा यहां पर चार्ज, ठीक है। यहां पर चार्ज डेफिनेटली माइनस क्यू आना चाहिए, फिर एकदम अपोजिट पोलरिटी का। अब माइनस क्यू आएगा तो यहां पर फिर कितना आएगा, प्लस क्यू, और 4 ऑलरेडी था तो यहां पे चार्ज आ जाएगा क्यू प्लस 4, ताकि टोटल चार्ज 4 ही रहे, इस पे भी टोटल चार्ज 2 के इक्वल रहे। अब बेटा ये ध्यान रखना आपको कि जो आउटर सरफेस वाला जो चार्ज है ना, ये वाला और ये वाला, इन दोनों चार्ज को इक्वल कर दो आप, ताकि फील्ड अंदर हर पॉइंट पे इन दोनों के कारण क्या रहे, 0 रहे। तो बाहर वाली सरफेस वाला जो चार्ज है ना उसको आप इक्वल कर दीजिए, तो 2 माइनस क्यू इज इक्वल टू 4 प्लस क्यू। तो यहां से अगर ये q इधर ले आए, इसको 4 उधर ले जाओगे, तो माइनस का 2 बचेगा इस तरफ, ठीक है, और इस तरफ आएगा 2q, देन q की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 1 माइक्रो कूलम, क्योंकि माइक्रो में था तो माइक्रो कूलम आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला तो माइनस 1 आएगा और ये वाला प्लस 1 हो जाएगा, तो इनर सरफेस पर चार्ज आया दैट इज 1 माइक्रो कूलम। तो हमें डेल्टा वी कैलकुलेट करना था पोटेंशियल डिफरेंस, तो डेल्टा वी आ जाएगा q बाय c, और q की वैल्यू 1 मोड में रखो, 1 माइक्रो कूलम है, माइक्रो कूलम, और C की वैल्यू हमें दे रखी है बेटा 4 माइक्रो, सॉरी C की वैल्यू 1 माइक्रो कूलम है, सॉरी C की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफेरेड, सॉरी 1 माइक्रोफेरेड, तो C की वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड है, माइक्रो माइक्रो कट गया बेटा, तो 1/1 मतलब वैल्यू आ जाएगी 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट कहां पे है, ये लीजिए फोर्थ ऑप्शन, तो 39 का क्या आ जाएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 40, ए कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेरेड इज चार्ज्ड टू 5 माइक्रोकूलम इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस टू 2 माइक्रोफेरेड, हाउ मच वर्क इज डन। सिंपल, आपने दोनों प्लेट्स को पुल करके इनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज कर दिया, तो आपसे पूछे कि आपने कितना वर्क किया, तो सिंपली आपको एनर्जी में डिफरेंस निकालना है और वर्क डन आ जाएगा। तो जैसे देखिए
पहले कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, 5 माइक्रो कूलम है ना बेटा, तो कैपेसिटर पे एनर्जी कितनी आएगी, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, तो 1/2 इंटू क्यू कितना है 5 माइक्रो कूलम, 5 का स्क्वेयरिंग करोगे तो 25, ठीक है, तो माइक्रो इंटू माइक्रो हो जाएगा वो, ठीक है, उसको एज इट इज रहने देते हैं अपन, डिवाइड में सी माइक्रो फेराड है 5, तो ये माइक्रो जूल के अंदर आ जाएगा, 5 से 5 कट गया, तो वैल्यू कितनी है, ये इनिशियल एनर्जी आगे देखो कैपेसिटर की, तो इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज 5/2 माइक्रो जूल, ठीक है, तो जब इसके बीच की का सेपरेशन इंक्रीज नहीं किया था। अब आपने क्या किया है, इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस टू 2 माइक्रोफेरेड, अब जो कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेरेड हो गया, लेकिन चार्ज में वेरिएशन नहीं है, चार्ज तो एज इट इज सेम रहेगा कैपेसिटर पर, बैटरी आपने दे नहीं रखी, इसका मतलब हम चार्ज को फिक्स अज्यूम करेंगे, तो अब जो एनर्जी आएगी यू फाइनल इक्वल्स टू क्यू, तो सेम रहेगा क्यू, सेम रहेगा क्यू कितना था 5 माइक्रो कूलम, इसका स्क्वेयरिंग करोगे तो वही सेम अगेन बेटा 25 माइक्रो इंटू माइक्रो आएगा अपॉन में 2C, लेकिन C अब कितना हो चुका 2 माइक्रो फेरेड, माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, ये 25/4 आ गया, देखो 25/4 माइक्रो जूल, तो एनर्जी जो है कैपेसिटर की पहले देख लो कितनी थी, अब देख लो कितनी है, आपने कितना वर्क किया, आपने एग्जैक्टली यू फाइनल माइनस यू इनिशियल वर्क किया, मतलब फाइनल एनर्जी क्या है कैपेसिटी वो देख लो, इनिशियल एनर्जी देख लो क्या है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बेटा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल की इक्वल होता है इफ देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसमें से वो वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको 25/4 माइनस, ठीक है 25/4 माइनस 5/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो, ये 4 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 हो जाएगा ये, ठीक है, तो 10/4 आ गया, राइट 10/4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/4 माइक्रो जूल, और 15/4 में मतलब 15 में 4 को डिवाइड कर दो तो कितना आएगा ये 3 एंड 3 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू 3.75 माइक्रो जूल, तो 40 का बेटा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एयर फिल्ड कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड एन सी इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ वोल्टेज वी, when the capacitors are fully charged the battery is removed and the and after that a dielectric material of dielectric constant k is placed between the two plates of the first capacitor, the new potential difference of the combined system is, dekhiye beta do capacitor hain aapke paas, theek hai right, aapne dono ko charge kiya v volt ki battery se, to is pe bhi v hai is pe bhi v hai, ठीक है, वोल्टेज दोनों पे वी है और इसका कैपेसिटेंस है सी और इसका कैपेसिटेंस है एन सी, राइट, कोई इशू नहीं है, आप दोनों पे चार्ज भी बता सकते हो, इस पे चार्ज आएगा सी वी, इस पे चार्ज आएगा एन सी वी, ठीक है, क्योंकि क्यू बराबर सी इंटू वी होता है, तो दोनों पे चार्ज भी आ गया। अब हमने क्या किया, ये इनिशियल केस था मतलब, ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको आपने फिल कर दिया बेटा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम से जब आप फिल करोगे तो इसका कैपेसिटेंस कंफर्म है केसी हो जाएगा, चार्ज एज इट इज रहेगा, चार्ज में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, चार्ज एज इट इज रहेगा, एंड चार्ज जो है वो किसके इक्वल आएगा, सीवी के इक्वल आएगा चार्ज, इसका कैपेसिटेंस कितना है, इसका तो एनसी है और इस पे चार्ज कितना है एनसीवी है, ठीक है, जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हो बेटा तो जो कॉम्बिनेशन के बाद में जो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आता है दोनों कैपेसिटर पर उसको हम लिखते हैं V common is equal to C1V1 plus C2V2 upon में C1 plus C2, दो कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। C1V1 एक्चुअली में इनिशियल चार्ज था कैपेसिटर 1 पर और C2V2 इनिशियल चार्ज था कैपेसिटर 2 पर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो Q1 plus Q2 upon C1 plus C2, काफी सिंपल है। तो कॉमन जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना V is equal to आ जाएगा, या V C कह सकते हो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, वो आ जाएगा Q1 plus Q2 अपॉन में C1 plus C2. Q1 is CV, Q2 is NCV, right? NCV upon C1 plus C2. And here C is KC बेटा, C1 is KC plus C2 is NC, right? अब इसमें देख लीजिए आप C जो है वो कट जाएगा, ऊपर कितना आया 1 plus N into V अपॉन में नीचे आ जाएगा K plus N, 1 plus N into V अपॉन में K plus N, first option इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 बेटा।
Figure shows charge Q versus voltage V graph for series and parallel combination of two given capacitors. The capacitances are. तो Q और V के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रखा है, पहले तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखा हुआ है एंड देन फिर सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर दे रखा है आपको। तो बेटा अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखूं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 हो जाएगा, ये C इक्विवेलेंट आ गया। तो Q बराबर C इक्विवेलेंट इनटू V, और Q एज ए Y है और C जो है वो एज ए सॉरी जो V है वो एज ए X है। इसका मतलब Q बराबर C इक्विवेलेंट इनटू V, तो जो C इक्विवेलेंट है वो इस ग्राफ का स्लोप ही तो होगा। तो यहां पर अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, ए ग्राफ को देखूं, तो इसका स्लोप कितना आ रहा है, ये 500 है और इधर 10 है, तो 500 बाय 10 मतलब 50, तो C1 प्लस C2 जो है डेफिनेटली 50 को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट केस में दोनों को सीरीज सीरीज में कंबाइन किया तो C1 C2 ओपन में C1 प्लस C2 होना चाहिए एंड C1 C2 ओपन में C1 प्लस C2 जो है वो इसके स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा उस केस में। बी वाले को बी वाले में देखें तो 80 ओपन में 10 है, इसका मतलब 8 आ गया, ये माइक्रो के अंदर है दोनों के दोनों, ठीक है, माइक्रो में है। तो यहां से C1 plus C2 50 है, तो ये C1 plus C2 के लिए 50 यहां रख दूंगा, तो C1 into C2 कितना आएगा, 8 into 50, और 8 into 50 कितना आया, 400। तो C1 और C2 का मल्टीप्लिकेशन कंफर्म है 400 आएगा। तो आप इसमें ऑप्शन में भी देख सकते हो कौन सा सही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप C1 C2 की वैल्यू निकाल चुके हो यहां पर, तो ये बाकी C2 की वैल्यू 400 बाय C1 ऊपर वाले इक्वेशन रख करके इसको सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर अपन चेक करें डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, जैसे फर्स्ट ऑप्शन देखिए 40 एंड 10 है, 40 इंटू 10 करेंगे तो 400 आ रहा है, मैच कर रहा है। सेकंड में 60 इंटू 40 है, ये नहीं मैच करेगा, 400 नहीं आएगा। थर्ड में देखा जाए तो ये भी 400 नहीं आएगा, और फोर्थ में देखा जाए तो भी 400 नहीं आ रहा। तो देखो सिंपल क्वेश्चन आगे देखो, ओनली फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट बैठ रहा है बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन आए ना तो इसी वे से सॉल्व किया करो, पूरा मैथ्स लगाने की जरूरत नहीं है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 43 आइए, 40 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस सी ईच हैव प्लेट्स ऑफ एरिया ए सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द टू कैपेसिटर्स इज फिल्ड विद थ्री डायलेक्ट्रिक्स ऑफ इक्वल थिकनेस एंड डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के1 के2 एंड के3। तो फर्स्ट केस में देख लीजिए जो मीडियम है वो सीरीज के अंदर फिल किया, और सेकेंड केस में पैरेलल में फिल किया आपने। द फर्स्ट कैपेसिटर इज फिल्ड एज शोन इन फिगर 1 एंड सेकेंड वन इज फिल्ड एज shown in figure 2. If these two modified capacitors are charged by the same potential V, the ratio of the energy stored in two would be even refer to the capacitor 1 and E2 for capacitor 2. तो capacitor 1 में जो energy store होगी और जो capacitor 2 में जो energy store होगी, उन दोनों का ratio हमसे पूछा है, और energy जो है हम जानते हैं half CV square होता है, ठीक है। तो same potential, इसका मतलब C1 by C2 ही निकालना है यहाँ पर, क्योंकि half V square तो cancel out हो जाएगा। तो first capacitor का जो C1 है, जो capacitance है, वो कैसे आएगा? अगर आप बोर्ड से देखो बेटा, तो यहां पर ये इक्वल विड्थ है, ये d बाय 3 है, ये d बाय 3 है, ये d बाय 3 है, और एरिया ए है, और तीनों के तीनों सीरीज के अंदर है। इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आएगा सेकंड वाले केस के अंदर, अगर मैं लिखूं यहां पर, तो मैं लिख सकता हूं बेटा 1 अपॉन सी 1 लिख दूं मैं इसको, बराबर फर्स्ट पार्ट आएगा के 1 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी बाय 3, रेसिप्रोकल लोगे, समझ गए ना, के 1 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी बाय 3, d by 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल 1 upon c1 की बात करें तो इसमें ये आ जाएगा बेटा d upon में 3 k1 epsilon not a, ये आ गया, ठीक है। प्लस नेक्स्ट पार्ट के अंदर बस k2 आ जाएगा, ठीक है, d upon में 3 k2 epsilon not a, एंड लास्ट पार्ट में ये वाले पार्ट के अंदर आ जाएगा d upon में 3 k3 epsilon not a, ठीक है। इस वे से चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं अपन। तो 1 अपॉन सी 1 आ जाएगा हमारे पास यहां पर, ये आ गया बेटा 3 के 1 के 2 के 3 राइट एप्सिलॉन नॉट ए, और डी तो यहां कॉमन बाहर आ ही जाएगा। उसके अलावा अगर यहां देखें तो ये के 1 है तो ये के 2 के 3 आएगा, यहां पर के 2 है तो के 1 के 3 आएगा, और यहां पर के 3 है तो के 1 के 2 आएगा, ठीक है। तो यहां से C1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3 K1 K2 K3 epsilon not A अपॉन D ब्रैकेट में K1 K2 प्लस K2 K3 प्लस K1 K3। तो ये हमारे पास C1 आ चुका है राइट। अब उससे पिछले वाला देख लेते हैं, मतलब नेक्स्ट जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस देखेंगे। अब यहां अगर देखा जाए बेटा, तो ये जो एरिया है वो A by 3 हो जाएगा, इसमें भी एरिया a by 3, इसमें भी एरिया a by 3।
तीनों की तीनों जो कैपेसिटी है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने कंबाइन कर रखा है, तो इस कैपेसिटी का जो कैपेसिटेंस आएगा दैट इज के वन एप्सल नॉट ए बाई थ्री डी, क्योंकि गैप तो सेम रहेगा डी, तो के वन एप्सल नॉट ए एरिया जो है वो ए बाई थ्री हो जाएगा, ए बाई थ्री डी। ऐसे सिमिलरली दूसरे के लिए के टू वाला पार्ट आ जाएगा, तीसरे के लिए, और ये तीनों के तीनों पैरेलल में है तो सिंपली सम हो जाएगा, तो के टू एप्सल नॉट ए बाय थ्री डी प्लस के थ्री एप्सल नॉट ए बाय थ्री डी, ये सी टू आ जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो यहां से सी टू की वैल्यू आ गई हमारे पास के वन प्लस के टू प्लस के थ्री, और यहां बेटा एप्सल नॉट ए बाय थ्री डी आ गया। हमें अल्टीमेटली सी वन बाय सी टू निकालना है, यहां पर C1 by C2 मतलब इसमें C2 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन में C2 को डिवाइड कर देते हैं बेटा, K1 plus K2 plus K3 डिवाइड कर दिया, epsilon not A by 3D and then 3D से 3D कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो नहीं 3 से नहीं, D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3 into 3 यहाँ पे 9 आएगा, या आएगा कन्फर्म है, epsilon not A कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होना चाहिए, थोड़ी वैल्यू कॉम्प्लेक्स 9 आ रहा है ना, 9 देखो 9 इसमें भी आ रहा है और फोर्थ में भी आ रहा है, लेकिन ऊपर बात करें तो K1 K2 K3 आना चाहिए, K1 K2 K3 आ रहा है देखो, और K1 प्लस K2 यस पूरी तरह से करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन बेटा पूरी तरह से मैच कर रहा है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन कोई हाईफाई नहीं है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 45, इन द गिवन सर्किट द चार्ज ऑन 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर विल बी, 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर पे चार्ज हमसे पूछा है, ठीक है, तो वही सेम अप्रोच उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है एंड देन फिर चार्ज की वैल्यू निकालनी बेटा, तो 1 एंड 5 जो है वो 6 हो जाएगा, कंफर्म है 6 माइक्रोफेरेड, 6 एंड 4 सीरीज में बेटा, 6 एंड 4 का सीरीज में कितना आएगा, 6 इंटू 4 अपॉन में 6 प्लस 4 10, तो आ जाएगा 2.4, ठीक है 2.4, 2.4 एंड 3 फिर पैरेलल में आ गए, तो कितना आ जाएगा 2.4 प्लस 3 अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 5.4 माइक्रोफेरेड, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 5.4 माइक्रोफेरेड आ गया, और बैटरी बेटा 10 वोल्ट की है, तो जो चार्ज जाएगा मेन ब्रांच से क्यू की वैल्यू आप देख सकते हो इजीली, क्यू बराबर सी इक्विवेलेंट इनटू वी, सी इक्विवेलेंट इज 5.4 इनटू वी मतलब 10, 54 माइक्रो कूलम आ गया चार्ज, तो यहां से जो चार्ज पास होगा दैट इज 54 माइक्रो कूलम। अब ये 54 माइक्रो कूलम बेटा इसमें भी जाएगा और इसमें भी कुछ ना कुछ पार्ट इसमें भी जाएगा, राइट, हमें 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर पे फाइंड आउट करना है, तो 4 और ये देखो 1 एंड 5 जो 6 है, तो ध्यान से देखना ये 6 था ये वाला और ये 4 है, 6 एंड 4 का मैंने कैलकुलेट किया था 2.4 आया था, तो ऊपर वाला जो कैपेसिटेंस है उसमें जो कैपेसिटेंस है इक्विवेलेंट वो 2.4 है माइक्रोफेरेड में, और ये वाला 3 माइक्रोफेरेड, राइट, तो इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि 10 वोल्ट दे रखा हमें, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आया था, इक्विवेलेंट आया था 2.4 आया था ना, इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा, अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, देखिए 4 ये 1 एंड 5 का 6 आया था, 6 इंटू 4 बाई 10 मतलब 2.4, तो इसका पूरे का 2.4 आ गया था, 2.4 आ गया, तो 10 वोल्ट इसके डायरेक्टली इसके क्रॉस जनरेट हो रहा है, देखो 10 वोल्ट अगर इसके क्रॉस जनरेट हो तो डायरेक्ट चार्ज आ जाएगा इसमें 10 इंटू 2.4 मतलब 24 माइक्रो कूलम, सिंपल, थर्ड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा सीधा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, क्वेश्चन नंबर 45, देखिए बेटा, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट्स ऑफ एरिया ए सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी बिटवीन देम, इट इज फिल्ड विद ए डायरेक्ट्रिक व्हिच हैज ए डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट वेरीज के एक्स इक्वल्स टू के वन प्लस अल्फा एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम वन ऑफ द प्लेट्स, alpha d is very very less than 1, the total capacitance of the system is best given by the expression, kaun se expression se isko bataya jayega, aur k ki value dekho beta is way se aap likh sakte ho, to yahan par ye do plates hain aur dono plates ke beech mein dielectric medium filled hai beta, theek hai, to main is diagram ko draw kar leta hu thoda, area plate area a aapko de rakha hai yahan par, theek hai, aur dielectric constant k ki value main likh deta hu yahan par, k is equal to ya kx jo hai wo k times 1 plus alpha x ke equal hai, right, x jo hai distance and d is the gap between the plates, theek hai, aaiye to hum kya kare yahan par, hame pata hai ki k is taraf jane par increase ho raha hai, yahan par beta main ek x distance par is side se dx thickness ka
एक स्लैब कंसीडर कर लेता हूं, ये भी एक तरीके से कैपेसिटर की तरह काम करेगा, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो मैं डीसी अज्यूम कर लेता हूं। डीसी आप जानते हो यहां पे जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होगा, एप्सिलॉन नॉट प्लेट एरिया तो ए रहेगा, और अपॉन में लेंथ, लेंथ कितनी आएगी डीएक्स डीएक्स, और के की वैल्यू हम जानते हैं, के जो के एक्चुअली में इस पोजिशन पर डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू विच इज के वन प्लस एल्फा एक्स, तो मैं प्रॉपरली लिखूं के वन प्लस एल्फा एक्स, और यहां आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डीएक्स। ठीक है, ये कैपेसिटेंस आ गया इस पतले से कैपेसिटर का। ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर्स होंगे बेटा, और सब के सब जो कैपेसिटर्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं। सीरीज में हम जानते हैं 1 अपॉन सी इक्वल इक्वल टू 1 अपॉन सी 1 प्लस 1 अपॉन सी 2 प्लस 1 अपॉन सी 3 वाला फॉर्मूला लगा हो गया। इसका मतलब 1 अपॉन जो सी इक्वलेंट आएगा वो एक्चुअली में 1 अपॉन सी 1 प्लस 1 अपॉन सी 2 मतलब 1 अपॉन डी सी 1 प्लस 1 अपॉन डी सी 2, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन डी सी आएगा, क्योंकि समीशन तो करना है हमको, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन 1 अपॉन डी सी। तो इसको अगर अपन रखें बेटा तो यहां डीएक्स ऊपर चला जाएगा, और डिवाइड में देखो कितना आएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए कॉन्स्टेंट है, ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फा एक्स आ गया। ठीक है, इस वे से आप इसको लिख सकते हो, और अब हमें यहां पर लिमिट लगानी पड़ेगी, लिमिट से बेटा इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं इस पार्ट को मैं रब कर देता हूं, तो देखिए जरा क्या आएगी वैल्यू देखो, तो 1 अपॉन सी इक्वलेंट इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1 अपॉन, वैसे भी 1 अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए जो है वो तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस अल्फा एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन डेफिनेटली लॉग में आएगा, लॉग 1 प्लस अल्फा एक्स, और अल्फा जो डिवाइड में आ जाएगा मल्टीप्लाई जो है कोफिशिएंट, और लिमिट लग जाएगी बेटा एक्स की वैल्यू 0 से लेकर के डी तक, क्योंकि यहां से यहां तक चलना है 0 से डी तक। 1 अपॉन सी इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए अल्फा, अपर लिमिट रखोगे ln ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा डी, और लोअर लिमिट में 0 रखोगे log 1 0 ही होता है, तो यही वैल्यू रह जाएगी। इसका मतलब सी इक्वलेंट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है के एप्सिलॉन नॉट ए अल्फा अपॉन में ln 1 प्लस अल्फा डी, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा। अब हमें ये देखना है कि जो है ये क्वेश्चन कौन सा इसके अकॉर्डिंग मैच करेगा, इस पार्ट को थोड़ा रब कर दें, सी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहां पर। ठीक है, ओके, तो के एप्सिलॉन नॉट ए अल्फा तो डेफिनेटली ऊपर आएगा राइट, और यहां पर उसके अलावा लॉग के अंदर कोई भी वैल्यू दे नहीं रखी हमें। ठीक है, लॉग के अंदर कोई वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है, एक चीज को हम यहां पर अप्लाई कर सकते थे, वैसे एक्चुअल जो आंसर है वो यही आएगा देखा जाए तो, लेकिन जब मैंने ये इस इंटीग्रेशन वाले पार्ट को अप्लाई किया था, आप ध्यान देना एक बार, क्योंकि इसने अप्रोक्सीमेशन ले रखा है यहाँ पर, आप लॉग का भी ले सकते हो चाहो तो, 1 अपॉन सी इक्वलेंट की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के आया था, ए आया था, अल्फा बाद में लिया था हमने, इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास जो वैल्यू आई थी 1 प्लस अल्फा एक्स डीएक्स आया था, सही है, अल्फा एक्स डीएक्स आया था, और इस क्वांटिटी को इसने ऑलमोस्ट इग्नोर किया है, मतलब इसको इसने बायनोमियल एक्सपेंशन से डील किया है कि अल्फा डी जो है 1 से वेरी वेरी लेस है, तो इसमें यहीं से ही अप्रोक्सीमेशन ले लिया जाए, इसी पार्ट से ही अप्रोक्सीमेशन अगर ले लिया जाए तो वैल्यू कितनी आएगी देखो, 1 अपॉन में सी इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट ए राइट, और इंटीग्रेशन अगर हम यूज करें यहां पर 0 से डी तक जाना है हमें, और इस पार्ट में अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दें माइनस 1 आ जाएगा ऊपर, एंड देन 1 माइनस अल्फा एक्स डीएक्स आ जाएगा ये राइट, 1 माइनस अल्फा एक्स डीएक्स। इसको अगर हम सॉल्व करें यहां पर, तो देखिए वैल्यू कितनी आएगी, सी इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट ए, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट इज डी, तो वैल्यू आ जाएगी डी माइनस अल्फा डी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इस टाइप से इसको आप लिख सकते हो बकायदा।
तो ये अप्रोक्सीमेशन लेकर के हमने इसको डील कर लिया। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ इसको मैच करवाना है, उसके अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। देखिए यहां से अगर मैं डी को कॉमन ले लूं बाहर, इसको पलट दें, तो सी इक्वलेंट की वैल्यू कितनी है बेटा, के एप्सिलॉन ए, और ये डी बाहर आ जाएगा, ये डी हटा दीजिए, ये डी हटा दीजिए, डी बाहर आ गया, ठीक है, और ये डिवाइड के अंदर आ जाएगा। डिवाइड के अंदर कितना आएगा, वन माइनस एल्फा डी बाई टू, ठीक है, डिवाइड के अंदर आएगा, लेकिन पावर वन है डिवाइड में। अब ऊपर लेके जाओगे तो कितना आएगा, वन माइनस एल्फा डी बाई टू होल पावर माइनस वन, अगेन बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दीजिए, माइनस वन आगे आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा बेटा। फिर इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 45 के अकॉर्डिंग बेटा करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास कौन सा आ जाएगा, सोचो, वन प्लस एल्फा डी बाई टू वाला, मतलब सी इक्वलेंट इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ब्रैकेट में वन प्लस एल्फा डी बाई टू, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, राइट, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। तो ये था एक्चुअल में आंसर, जो एग्जैक्ट जो आंसर था ना वो लॉग की टर्म्स में आएगा जो हमने कैलकुलेट किया था, उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी लॉग की टर्म्स में जो आया था, आपको अगर लॉग की सीरीज मालूम है तो आप उस चीज को अप्लाई कर सकते हो, वहां पर लॉग की सीरीज लगा दीजिए, ठीक है, तो वहां से भी आप उसको सेटल डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो ये था बेटा यूनिट नंबर 10 का पार्ट फर्स्ट, ठीक है, जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस वाले टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट सेकंड में बेटा अपन इस पूरे टॉपिक को फिनिश करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, ओके, थैंक यू।